behalf of our study circle on this subject, the critical issues in ITR filing and assessment of disease assessee. When I thought on this subject, I called our Guruji. तो गुरुजी थोड़ा इमोशनल हो गए कि राजेश अभी तो ये समय चल रहा है और तुम ये सब्जेक्ट रखोगे। मैंने कहा सर नो डाउट देयर इज ए प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली और नियर डियर, लेकिन समय की शायद यही डिमांड है कि हम ये सब्जेक्ट रखें। फिर मैंने अपने ग्रुप में भी पूछा तो सबने यही कहा कि सर सर यही समय है कि इस सब्जेक्ट को रखा जाए, नो डाउट सबको प्रॉब्लम है और 148 भी थोक में इशू हो रहे हैं, उनको भी करना है। लेकिन इससे पहले मैं गुरुजी के पास आऊं, हमारे पास फॉर्मर प्रेसिडेंट के एम अग्रवाल साहब हैं और हमारे नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल से चेयरमैन अविनाश गुप्ता जी भी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक दो दो मिनट जो भी वो टाइम लें हमारे मेंबर्स को संबोधित करें। मुदित जी भी हैं, जगजीत जी हैं, पंकज जी हैं फरीदाबाद से, सुनील धमीजा जी हैं, संजय शर्मा जी हैं और अश्वनी जिंदल जी जो कि हमारे करते ही हैं सब कुछ है, हेमंत पावा जी हैं, रामदेव काकरा जी हैं, मैडम भी हैं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बिफोर गोइंग टू अदर स्पीकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे को बड़ा याद आता है महाभारत। महाभारत में आप देखो कोई भी प्रॉब्लम हो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम नजर आता है, कृष्ण भगवान। या मैं आपको यूं कहूं कि महाभारत कृष्ण से ही शुरू होती है, कृष्ण पे ही खत्म होती है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट टैक्स में यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम नजर आता है, वो है हमारे गुरुजी। चाहे वो कैसे भी हो, डायरेक्ट टैक्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कहीं भी कैसे भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का नाम याद आता है। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का भी वेलकम करता हूँ और गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हमारे के एम अग्रवाल साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारे, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ है। और ये मैं बता दूं कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वैसे तो हर कोई हमारे यहाँ प्रेसिडेंट एक साल के लिए रहता है, लेकिन के एम अग्रवाल साहब 1.5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे और अग्रवाल साहब ने वो 1.5 साल भी बड़े अच्छे से और सबको किया। तो विद दिस आई आई वेलकम यू एंड रिक्वेस्ट यू सर प्लीज एड्रेस द मेंबर। थैंक यू राजेश भाई, राधे राधे। राधे राधे सर, मेरी तरफ से मेरे गुरुजी और सबके गुरुजी को प्रणाम। ओ माय गॉड। डियर राजेश जी, अश्विनी जी, अविनाश जी एंड अदर फ्रेंड्स, इट इज इंडीड माय ग्रेट प्लेजर टू बी प्रेजेंट हियर एंड टू लर्न अबाउट इनकम टैक्स इन द केस ऑफ ए डिसीज पर्सन फ्रॉम माय गुरुजी। आई वुड बी इट इज अ टॉपिक ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट डेज, ऑल्दो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एज मिस्टर राजेश सेड। विद दीज फ्यू वर्ड्स फ्रेंड्स, I would like to compliment Mr. Rajesh and Guruji for their very sincere and great efforts for continuing education program of the institute and for the profession. And with these words, friends, I thank you all, and I am here to listen to our Guruji and others. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. And I request our chairman of Northern India Regional Council, CA Avnaz Gupta ji, kindly address our member, please. This is our protocol, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. Respected past president of the institute, Shri K. M. Agarwal ji, my guru and guru of all of us, Dr. Girish Ahuja ji, Karta of our CA fraternity, Ashwini Jindal ji, Sanjay Sharma ji from Saltex Bar, my other respected colleagues of the of the CA fraternity, Sunil Dhamija ji, Rajiv ji, Pankaj ji, Mudit ji. Coming today in this scenario where many people have gone and left us, so it is a time to remember them. But I think the topic chosen by Rajesh ji is very apt, and this is very much required because for filing the returns of the diseased persons, there are practically many problems which are coming, whether it is coming from the approval of the representative assessee or legal heir, or what would be done in case of will, in case of intestate death, etc. Our Guruji will tell us more about it. So I think it is a wonderful topic that you have chosen. At NARC, we are helping our members in this difficult time. We started with the COVID task force, help our members with plasma, medicines, hospital bed, oxygen, etc.
and we did vaccination camp. That is, we started this vaccination drive with our Guruji only on 4th of March. The first person under the aegis of NIRC, we vaccinated Guruji only. And then this drive is going on. And for your information and for the benefit of other members, we are doing the first big drive of 1,000 people on Saturday, 22nd of May, for 1,000 chartered accountants and their immediate family members between the age group of 18, 22. We got enormous response. So yesterday evening, 6:30, we started the registration, and today morning we have to close it at 11 a.m. itself. And we got more than 1,200 registration, and we are waiting for their payments to be confirmed. And once it is confirmed, then we will formally close this down and we'll make it on Saturday. We have huge demand, and keeping that demand in mind, we are doing this drive again next week as per the availability of the venue and availability of the dose. So that also we will continue for the benefit of our member. So we need your support. We need your help. If you want anybody to be vaccinated under that age group, so please come forward and we will do it. For the people who are above 45 years of age, for co-vaccine, we are already doing this drive for last 1.5 weeks. This is there in Maulana Azad College. This is free of cost, no charges. So if any of our member or any person in the family wants co-vaccine, either first dose or second dose, for 45 plus, we are doing it at Maulana Azad Medical College. So if you want this help, so we are there to help you. Any other help if you want from any NIRC in this COVID pandemic time, we are working 24/7 for the members, for the benefit of members. So that is there. Apart from our normal activities of CPRs and others, we are doing it. So with this, thank you very much for giving me this opportunity to share these things with the members. Thank you, Rajeshji. Thank you, Chairman Saab, for taking so many initiative under the NIRC. And without taking too much time, I request our Guruji directly, sir. Over to Guruji. Good evening to one and all. Past President of the Institute of Chartered Accountants of India, CA KM Agarwalji, Chairman of the Northern India Regional Council, CA Avinash Guptaji, Rajesh Agarwalji, the founder of this CP Study Circle, Sunil Dhamija ji, Jagjit Singh ji, who have been in the program, I have seen every time, Mudit Kumar Jain ji, Pankaj Mittal ji, Sanjay Sharma ji, Sanjay Sharma Advocate, Sanjay Sharma ji, Madam Prem Lata Bansal ji, Rajiv Kohli ji, Kakada ji, Hemant Pawa ji, and above all, the Karta of the CA fraternity from Jalandhar, CA Ashwini Jindal ji, ladies and gentlemen. Let me tell you out the outset, I must congratulate Avinash for doing a lot of work, not only in the Institute of Chartered Accountants, but also for the alumni of Shri Ram College of Commerce. He has been handling things very well. He asked me, should we accept donations for others? People are ready to give us donation and go for free vaccination. I said, CA ko free nahi chahiye. CA kisi ki donation pe kyun rahega? They can afford and they should pay for it. Aur karna hai, wo kisi gareeb aadmi karna, kisi aur ka karna hai, lekin free nahi karna. Nothing comes free. ठीक है आप अरेंज कर रहे हैं 40 से कर रहे हैं वहां जाएंगे दे चार्ज अबाउट 1400 रुपीस यू आर चार्जिंग ओनली 900 रुपीस दैट इज द बेयर मिनिमम व्हिच यू हैव टू पे ईच एंड एवरी पेनी हैज बी पेड टू द फोर्टिस यू आर नॉट कीपिंग एनीथिंग बट यू आर अरेंजिंग सम सो मेनी थिंग्स सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो फॉर फ्री एंड आस्क बैक द डोनेशन फॉर अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इट डजंट लुक नाइस इफ यू आर गिविंग सर्विस टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट लेट इट नॉट बी फ्री If you have to give the service, give it to the poor people who cannot manage this. ये मेरी आवाज है ये कभी भी हम लोगों को free नहीं देना चाहिए लेना चाहिए free की आदतें गलत होती है तो इसलिए मैंने मेरी बात मानी और उसने बिल्कुल free नहीं किया और even मैंने told him that we want also for alumni of Shri Ram College of Commerce on the same line. वो कहता है जी मैं बिल्कुल करूंगा पहले जरा हम अपनी fraternity CA का 1000 कर दे और करें सर 18 टू 44 तो मिल ही नहीं रहा है प्राइवेट में ही मिलेगा अब अभी तो गवर्नमेंट का तो आया ही नहीं जब गवर्नमेंट का आएगा तब देखेंगे तब तो ये फ्री कर लेंगे ना जब गवर्नमेंट का आएगा कर ही रहे हैं ना 45 एंड अबव यू आर डूइंग फ्री एम आई राइट मौलाना आजाद कॉलेज सो देयरफॉर इसलिए वो ठीक है यस सर इट इज फ्री फॉर 45 अबव इट इज फ्री अब मैं वापस आ रहा हूं
देखिए मैं बहुत झिझक रहा था इस प्रोग्राम के लिए, ऑब्वियसली दिल तो नहीं मानता है, नोबडी फील्स लाइक टॉकिंग, लेकिन रियलिटी तो फेस करनी पड़ेगी एंड वो रियलिटी मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इफ ए पर्सन हैज डाइड एंड ही हैड बीन एसेस्सी इन द पास्ट, ऑब्वियसली द पीपल विल अप्रोच द चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट व्हाट इज द रूल रिगार्डिंग टैक्सेशन ऑफ द डिजीज और व्हाट विल हैपन if the person dies. Let me tell you, first point is, we have a section called section 159. Wo hai taxation of the deceased income up to the date of death. Jis din uski death ho gayi, up to that date, uska assessment ek alag hota hai. Disease ki return to jayegi hi jayegi, up to the date of death. अब after the date of death क्या होगा? उस केस में आपको पता है for Hindus, Hindu Succession Act 1956 और Indian Succession 1925 लगता है. Hindu Succession Act 1956 कब लगता है? When a person dies intestate, means without writing a will. If we have not written a will and a person has died. Up to the date of death, to return bharni padni padegi whatever income by the legal representative. Maine naam bola legal representative, usko return bharega. Apni death se bharega, main bata. What about after the date of death? Income aayegi to estate se. Ab to after the death to uski estate ho gayi. Us state se income aayegi to kya hoga? Okay. Agar Hindu section 1956 hai, to jis din death hoti hai, अगले दिन सारी प्रॉपर्टी वेस्ट कर जाती है विद अ लीगल ईयर. आपको पता है लीगल ईयर ऑफ द क्लास वन हम कर चुके हैं, लीगल ईयर ऑफ द क्लास वन. अगर क्लास वन में कोई नहीं है तो लीगल ईयर ऑफ द क्लास टू, अगर क्लास टू में भी कोई नहीं है तो एगिनेट्स, और नहीं है तो कॉग्निट्स के पर वेस्ट कर जाती है. उसके बाद प्रॉपर्टी डिजीज की नहीं रहती, वो लीगल ईयर के पास चली गई, और जिस दिन लीगल ईयर के पास चली गई तो उसकी इनकम हो गई और वो अपनी इनकम में जोड़ेगा, वो तो उसी की स्टेट उसी की बन गई ना. अब क्लास वन में आपको पता है कौन कौन है, तो मैंने बोला था क्लास वन लीगल ईयर कौन होते हैं, स्पाउस दैट इज वाइफ, मेल मेंबर की हो तो वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और एक और भी है अगर वो अगर उसकी मदर अलाइव है तो लीगल ईयर में मदर भी आती है, वेदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. तो ये लीगल ईयर को जब प्रॉपर्टी बट गई इक्वल रेशियो में, सबको इक्वल बटेगी इक्वल रेशियो में, तो आफ्टर द डेट ऑफ डेथ वो तो जो भी स्टेट है वो चली गई लीगल ईयर्स के पास, और लीगल ईयर अपनी भी रिटर्न में उसको इंक्लूड करेंगे व्हाट एवर इज द इनकम आफ्टर द डेट ऑफ डेथ. एम आई राइट सर? लेकिन अप टू द डेट ऑफ डेथ क्या होगा बता. अगर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लगाया तो मतलब देयर इज ए विल. जब आपने एक विल लिखी हुई है तो नॉर्मली विल जब आप लिखते हैं तो एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते हैं. एग्जीक्यूटर का पर्पस होता है कि मेरी जो विश है, जो मेरी विल है, वो आप एग्जीक्यूट करिए. द पर्सन हु एग्जीक्यूट द विल ऑफ द डिजीज इज नोन एज एग्जीक्यूटर. अब एग्जीक्यूटर उस विल को एग्जीक्यूट करता है. हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, अरे मैंने देखा 10-10 साल तक विल का एग्जीक्यूशन चलता रहता है और उसमें बिजनेस भी होता रहता है. तो टिल the entire property is distributed to the person जिसको आपने legatee बोलते हैं, legatee को दे दिया, क्योंकि जो आपने will में लिखा कि इनको इनको जाएगा, ये beneficiary होंगे, इनको इनको दिया जाएगा, इस तरह दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, तो legatee तक जब तक complete distribution नहीं हो जाता उस दिन तक executor return भरता है. Executor अपनी उनकी return भरता है और उसके लिए सेक्शन 168 है. सेक्शन 168 अबाउट एग्जीक्यूटर. सो जब तो डेथ हुई इंटेस्टेट, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, डेथ हुई इंटेस्टेट, तो राजेश जी बस अप टू द डेट ऑफ डेथ और एक ही सेक्शन लगेगा 159, बाकी कोई नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी बट गई इमीडिएटली, वेस्टेड हो गई. किसके पास? लीगल ईयर के पास. आपका वो तो उनकी इनकम है, अपने आप स्टेट की जो इनकम आएगी उनकी इनकम में आ जाएगी, तो इसलिए कुछ नहीं लगेगा. लेकिन
अश्विनी जी अगर विल लिखी हुई है और उसमें एग्जीक्यूटर है तो अप टू द डेट ऑफ डेथ तक तो 159 लगेगा और उसके बाद 168 लगेगा टिल द एंटायर स्टेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड द टू द लेगेटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने फिर हमेशा कहता हूं राजेश जी को, जब भी कोई क्वेश्चन आए उसी वक्त रोककर मुझे उसी वक्त बात करें तो अच्छा लगता है, समझ में आ जाती है, लोगों को लगता है कि यार मेरी बात सुनी गई और मुझे जवाब मिल गया। सो ये समझ में आ गया। अब एक और बात बता दूं, मुस्लिम के लिए सेपरेट शरीयत लॉ है, हमारा जो हिंदू लॉ है ना और उधर का मुस्लिम, ये कोडिफाइड नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री में हिंदू लॉ को कोडिफाइड, कुछ हिंदू लॉ को कोडिफाइड किया गया 1955 से, छिया गया, कोडिफाइड कर दिया। एक था हिंदू मैरिज एक्ट, फिर बनाया गया हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और एक एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये एक्सक्लूसिवली चार एक्ट है हिंदू के लिए जो कोडिफाइड है, कोडिफाइड समझते हैं ना, जो एनेक्टेड है। और 1955 में पहला कोडिफाइड हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट। हमें स्पेशल मैरिज एक्ट भी लगता है, वो डिफरेंट है। स्पेशल मैरिज एक्ट में हिंदू की हिंदू में शादी नहीं होती किसी और के साथ कस्टडी, लेकिन जो एक्सक्लूसिव है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये चार एक्ट कोडिफाइड है एंड हिंदू इंक्लूड्स सिक्स, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे पार्ट ऑफ हिंदू के हैं, इनके लिए ये एक्ट लगता है। मुस्लिम के लिए सेपरेट शरीयत लॉ है और शरीयत लॉ शियाज के लिए सेपरेट है और सुन्नीस के लिए सेपरेट है। अरे वो तो विल भी नहीं कर सकते 1/3 से ज्यादा जब तक कि वो सारे की परमिशन न ले। और जो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, पारसीज हैं, उनके लिए क्या है, एक ही एक्ट लगता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। हमारे लिए भी लगता है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, उसके सारे चैप्टर है, लेकिन वो बाय विल है। लेकिन इनके केस में दोनों चीजें लिखी है कि अगर इंटेस्टेड डेथ होगी तो भी वो लगेगा, कुछ चैप्टर है ऑन इंटेस्टेड डेथ हिंदू इसके लिए सिक्स, सॉरी ज्यूज, पारसीज, आप ये क्रिश्चियंस वगैरह, उसमें इंटेस्टेड वाला भी है और उसमें लीगल उस वो वाला भी है विल वाला, लेकिन उनका सेपरेट है चैप्टर। बाकी हमारा चैप्टर जो है वो विल से ही रिलेटेड है और दूसरा रिलेटेड नहीं। सो इंडियन सेक्शन 1925 लगता है हमें ओनली व्हेन देयर इज अ विल, क्रिश्चियंस, पारसी, ज्यूज एंड अदर्स, उनको लगता है वेदर देयर इज अ विल और नॉट ए विल, अलग अलग चैप्टर है। ये क्लैरिटी आ गई सर, हमें वो देखना पड़ता है। हिंदू के लिए चार कोडिफाइड लॉ, तो मैंने ये पढ़ा क्लियरली बता दिया कि देखिए किसी की भी डेथ तो सर्टन है, दो चीजें बोली जाती है, टैक्सेस एंड डेथ आर सर्टन। क्यों बोली जाती है? डेथ के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ता थोड़ी है, टैक्स तो लेकर ही छोड़ता है, वो छोड़ता नहीं उस आदमी को, तू चला जा लेकिन तेरी स्टेट से हम निकाल देंगे पैसे, इसलिए वो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? डिजीज को। सर कोई क्वेश्चन है सर? नहीं तो मैं आगे चलू। क्वेश्चन तो 8 आ गए लेकिन सर डिफरेंट है, वो अभी इस टॉपिक पे नहीं है, और डिफरेंट टॉपिक से नहीं है तो बात नहीं करेंगे। आइए आइए अब सेक्शन 159 में पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन डाइज हिज लीगल हेयर शैल बी लायबल टू पे एनी सम, प्लीज नोट द वर्ड एनी सम, व्हिच द डिजीज वुड हैव बीन लायबल टू पे इफ ही हैड नॉट डाइड in the same manner to the state to the same extent as if the diseased। ye section 159 subsection 1 kya keh raha hai, every where a person dies, kya keh raha, where a person dies। rajesh ji death kiski hoti hai? death to sirf individual ki hoti hai, aur to kisi ki death ho nahi sakti, hindu undivided family ki death thodi hoti hai, artificial person ki death thodi hoti hai, where a person dies मतलब लॉ ने इंडिविजुअल नहीं लिखा लेकिन उनको पता है तुम समझते तो हो डेथ और किसी की होगी किसे। सो वेयर ए पर्सन डाइज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज नोट द वर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव,
shall be liable to pay any sum. Please note the word. Rajesh ji, any sum likha hai. Any tax ne likha. He is liable to pay any sum which the disease would have been liable to pay if he had not died. Agar wo marta nahi, to kya uski liability hoti? Wo liability kiske upar aa gayi? Legal representative ke upar. For tax nahi, for any sum. Sanjay ji, for any sum. Sum ka matlab hai, वो लाइबिलिटी टैक्स की भी हो सकती है, लाइबिलिटी इंटरेस्ट की भी हो सकती है, लाइबिलिटी पेनल्टी की भी हो सकती है. ये पेनल्टी भी लग सकती है, बताऊंगा अभी क्या कह रहा है. He is liable in, and in the like manner, liable to pay any sum in the like manner and to the same extent as a disease. जिस तरह डिजीज को टैक्स लगना था, वो टैक्स जो भी उसकी प्रोसीडिंग होनी थी वो किसकी होगी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की होगी. ये बाइंडिंग है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट आप स्टेप लेंगे. ये समझ में आ गया सेक्शन 159(1)? प्लीज नोट द वर्ड एनी सम लिखा है, उसमें पेनल्टी भी आती है. उसमें अशोक जी पेनल्टी भी आती है, अशोक गुप्ता जी भी बैठे तो मैंने कहा उनका नाम ले दूं. उसमें पेनल्टी भी आती है, इंटरेस्ट भी आती है, टैक्स सरचार्ज वगैरह सब आता है. लेकिन एक चीज नहीं आ सकती, प्रोसिक्यूशन थोड़ी हो सकता है. वो तो चला गया बेचारा, वो तो पहले ही प्रोसिक्यूट हो गया और वो ऊपर चला गया. तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगा किसका? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का. बट लायबल टू पे एनी सम. जब वेल्थ टैक्स था राजेश जी, तो वेल्थ टैक्स में क्लियर कट था कि वहां लिखा नहीं था, वो पेनल्टी नहीं लगती थी. किसके ऊपर? डिजीज के ऊपर. सॉरी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पेनल्टी नहीं लगती थी. हाँ, टैक्स इंटरेस्ट लगता था, लेकिन इनकम टैक्स में तो पेनल्टी भी लगेगी. जो पेनल्टी लगनी थी डिजीज को, वो पेनल्टी लगेगी किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लीगल ईयर भी कह सकते हैं, थोड़ी देर में बता. क्लियर हो गया सर सबको 159(1)? अब देखिए सेक्शन 159(2) क्या लिखा है. फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट or reassessment or recomputation of the income of the disease and for the purpose of any sum which is payable, the provisions, yeah, if there are any proceeding taken against the disease, if any proceeding has been taken against the thing, that will be deemed to have been taken against the legal representative. जो प्रोसीडिंग ऑलरेडी टेकन है, ऑलरेडी टेकन है अगेंस्ट द डिजीज, दैट विल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन अगेंस्ट द डिजीज एंड इट विल कंटिन्यू टू बी एट इट विल कंटिन्यू बी कमेंस फ्रॉम द डेट फ्रॉम द स्टेज द डिजीज हैड डाइड. जिस दिन डिजीज की डेथ हुई, जो प्रोसीडिंग हैड बीन टेकन अगेंस्ट द डिजीज, taken, already taken against the disease, wo proceeding will deem to have been taken against whom? Against the legal representative. Wo deem to have been taken mana jayega. Deem to have been taken against the disease. Kaun si stage se mana jayega? From the stage of the death of the, us day, wo mana jayega uske. Aur agla dekhiye kya kehte hai B. The proceeding which could have been taken, which could have been taken against the disease, may be taken against the legal representative. पहला क्या बोला था मैंने? जो already proceeding ले ली गई है, वो proceeding would be have, ये presume कह जाएगा कि वो proceeding अब legal representative के ऊपर हो गई. कौन से stage से? जिस stage में उसकी death हुई. और proceeding which could have been taken for what? For assessment, reassessment, or for payment of any sum, किस चीज की proceeding? For assessment proceeding, reassessment proceeding, or for any sum payable by the disease, any sum payable by the disease. Whatever proceeding had been taken against the diseased shall be deemed to have been taken against the legal representative. ये clear हुआ संजय जी? Against the legal representative. And proceeding which could have been taken. Could have been taken, Rajiv ji, which could have been taken, can be taken, may be taken against the
legal representative. Or third point kehta hai, all the provisions of the income tax shall apply accordingly. All the provisions will apply accordingly on the legal representative. Ye section 159 subsection 2 bahut important hai. Sab kuch to bata diya. Jo assessment ki proceeding already taken hai, ya pre-session ki taken hai, ya recovery ki taken hai, koi bhi some due hai, recovery ki bhi taken hai, already taken, that will be deemed to have been taken against the legal representative. So kis stage se, from the date when he has died, which could have been taken, may be taken against the deceased, against the legal representative. Or third point kya kar hai? All the provisions of income tax act will apply. Ye samajh mein aa gaya sir? Ye mat soch lena ki wo gaya to wo le gaya sahab to kuch nahi hoga. Sir, uska jo legal representative hai, legal representative ki definition section 2 clause 11 of the Code of Civil Procedure Act mein de rakhi. Section 211 of Code of Civil Procedure 1908. Wahan par legal representative ki definition hai, income tax mein nahi de rakhi. Okay, the whole legal representative means a person who in law, legal representative is a person who in law represents the estate of the deceased. Ab baat samajh rahe maine kya bola? Legal representative section 2 clause 11 code of civil procedure 1908 jayenge na to likha legal representative is a person who in law represents the estate of the deceased and includes a person who intermingles with the estate of the deceased. Jo uski state se intermingle karta, main example dunga iski bhi, intermingle with the state of the deceased. And that person who can be sued or who sues on behalf of the state of the deceased, use kehte legally. 90% time mein to sir, 99 में तो ये लीगल एयर कौन होता है? लीगल एयर वही मैंने बताया, क्लास वन क्लास टू वन. लेकिन कभी कभी तो सर विल लिखी जाए तो उस केस में अभी तक कोई प्रॉपर्टी वेस्ट नहीं हुई तो हम एग्जीक्यूटर को भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह देते हैं. तभी तो लिखा है हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिजीज. वो इंटरमेडल कर रहा है ना. मैंने क्या बोला? लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है. कभी आप इनकम टैक्स में ढूंढो सेक्शन 2 क्लॉज 11. आप अभी कहते हैं क्लॉज बोलते हैं, सब सेक्शन नहीं बोलते. अरे भैया मैंने कई बार बोला है कि हर सेक्शन में सब सेक्शन नहीं होता. मैंने कई बार आपको समझा दिया. और डेफिनेशन का जब सेक्शन आता है उसमें कभी सब सेक्शन नहीं होता, उसमें तो हमेशा क्लॉजेज होती है, क्योंकि नाम है जेनरिक सेक्शन, कॉमन सेक्शन. सेक्शन 2 सब सेक्शन का मतलब होता है मेन सेक्शन की बात करें. यहां तो अलग अलग क्लॉज हैं, तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन किया होता है. मैंने अभी तो बताया लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिजीज. तो कौन रिप्रेजेंट करेगा अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट लगेगा तो? कौन रिप्रेजेंट करेगा रजय जी? लीगल एयर. लीगल एयर ही तो करेंगे. तो वो आ गए हु रिप्रेजेंट्स एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इंटरमेडल विद द स्टेट ऑफ द डिजीज. जब उनके पास कुछ नहीं आया तो किसके पास आया? वो इंटरमेडल कौन कर रहा है? उसको कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटर. तो किसी किसी केस में जगजीत जी एग्जीक्यूटर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, पर वो उसकी कैपेसिटी अप टू द डेट ऑफ डेथ वाली है. जो आफ्टर द डेट ऑफ डेथ है वो अलग है, उसको 168 लगेगा, तब 159 नहीं आएगा जगजीत जी. तो कई कहते हैं वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा लीगल एयर होता है. मैंने कब कहा नहीं होता है? लेकिन लीगल एयर के पास प्रॉपर्टी नहीं आई तो कहां से देगा भाई? अभी तो वो एसटी नहीं हुई है, अभी तो उसके पास एग्जीक्यूटर है, वो इंटरमेंटल कर रहा है स्टेट ऑफ द डिजीज. जब तक वो बांटेगा नहीं वो कहां से दे देगा? तो इसलिए एग्जीक्यूटर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, लेकिन चाहे तो लीगल एयर खुद भी हो सकती है. क्लियर है? जरूरी नहीं एग्जीक्यूटर ही हो. ये क्लियर है सर? मैंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बता दिया आपको वर्ड. तभी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, लीगल एयर नहीं लिखा है. एक सेक्शन 160 भी है रजेश जी,
Johan word you the representative assessee. Representative assessee legal year nahi hota. Representative assessee to hota hai jaise agar minor hai to uska representative assessee uska guardian hai. जैसे ट्रस्ट है तो रिप्रेजेंटेटिव से उसकी ट्रस्टी है, जैसे नॉन रेजिडेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव उसका एजेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट है, या कभी कोर्ट ने कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया, कोई कोर्ट अवार्ड कर दिया तो उनको रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोलते, या ओरल ट्रस्ट है तो ट्रस्टी को रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोलते. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो मिक्स मत कर देना, लोगों को ख्याल भी नहीं आता, वो बोलते एक ही बात. एक बात नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव असेसी नहीं होता. रिप्रेजेंटेटिव असेसी करता हु रिप्रेजेंट सम अदर पर्सन. ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये तो मर गया वो बेचारा, वो मर गया और उसकी अप टू द डेट ऑफ डेथ तक जो लाइबिलिटी है उसको लाइबिलिटी को हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे इम्पोज कर दिया है जो नॉर्मली लीगल एयर होता है. अगर ये चीज एक से ज्यादा भी लीगल एयर हो सकते क्यों नहीं हो सकते होने, और आपको रिटर्न भरनी है तो भैया रिटर्न कैसे भरोगे? हम तो पुराने जमाने की बातें करते हैं, आदमी की डेथ हो जाती थी कोई फर्क नहीं पड़ता था, नीचे गुग्गी मारी और उठाकर रिटर्न भर दी, यही करा करते थे, पूछते कोई नहीं था, गुग्गी मारी उसकी और रिटर्न भर दी. उसके साल अगले साल वो है ही नहीं, उसकी इनकम है ही नहीं तो खत्म हो गई रिटर्न. हमने सारी दुनिया में अपने टाइम पे तो यही किया अश्विनी जी, तब पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये उसको रजिस्टर कराना उसको ये करना, क्योंकि अब तो ये फाइलिंग है. कब कहाँ ये फाइलिंग होती थी यार, ऐसे ही गुग्गी मार देते थे. हमें तो आते हैं गुग्गी मारने की, ये तो अधिकतर आदतें हैं, तो मारी गुग्गी कहते हैं ना सर, मैं यही कहूंगा ना गुग्गी मारी और मार के भेज दी रिटर्न, उस साल की भेज दी और उसके बाद अगले साल डालनी नहीं है क्योंकि इनकम ही नहीं. अब ऐसा नहीं है सर, अब ऐसा नहीं है. अब तो आप रिटर्न लीगल, अगर आपने डिजीज की रिटर्न भरनी है तो लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज जो उसका लीगल एयर है या जो भी एग्जीक्यूटर है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज, उसके बाद वो साइन करेगा. ऐसे नहीं कर सकता. मैंने सवेरे अविनाश जी को फोन किया, निकल गए कि नहीं बैठे नहीं. चले गए वहां, वो तो अपनी लेक्चर दिया और चल दिए. मैंने अविनाश जी को फोन किया, यार मुझे कंप्यूटर व्यूटर आता नहीं है तो यार वो फॉर्म कैसे भरते हैं जरा बताना और मैं भी जरा समझ लूं. अविनाश जी ने कोशिश करी लेकिन उस वक्त सिस्टम नहीं चल रहा, तो सिस्टम नहीं लगा, कहता चलो मैं आपको फोन करूंगा जब सिस्टम चलेगा. जब तक इन्होंने फोन किया तब तक मैं सब समझ गया, तो मैंने अपने आप ही कोशिश करी. आप अपने दिमाग लगाएं तो पॉसिबल हो सकता है. तो क्या करना है सर, अगर आपको मैं बार बार बता रहा हूं, भगवान ना करे क्योंकि किसी की डेथ हो गई रिटर्न तो भरनी पड़ेगी उसके लिए और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आएगा. शुरू कर दो, क्या जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कौन होगा मैं बता, तो लीगल एयर कौन है, कौन लेगा? देखिए सर सारे लीगल एयर हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, सारे ही लीगल एयर, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही लीगल ईयर रिटर्न भरे. तो वो क्या करते हैं, वो एक सर्टिफिकेट ले आते हैं ऑफ लीगल ईयर कोर्ट से. ये सर्टिफिकेट कैसे लाते हैं, बड़ा सिंपल है सर. अब नोटरी वाले के पास चले जाइए, उसको कहिए यार ये इसकी डेथ हो गई है और इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, उसको सारा प्रोसीजर मालूम है. वो क्या कहेगा, वो पैन नंबर मांगेगा, किसका, डिजीज का. वो पैन नंबर मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा डिजीज का. आजकल तो आधार, वो डेथ सर्टिफिकेट भी आधार के साथ मिलता है. वो आधार कार्ड मांगेगा, किसका, डिजीज का. तीन चीजें ने डिजीज की मांग ली, डेथ सर्टिफिकेट, पैन, आधार. फिर वो मांगेगा पैन और आधार ऑफ ऑल द लीगल एयर, ऑल द लीगल एयर, सबके मांगेगा पैन आधार. फिर वो कहेगा एक एफिडेविट दो, वो एफिडेविट बनाएगा, अपने आप ही बना देगा, एफिडेविट बनाएगा कि ये मैं, ये मेरे इतने इतने, ये आदमी की डेथ हो गई, ये लीगल एयर उनके हैं, लेकिन उन सब लीगल एयर ने डिसाइड कर लिया कि सच एंड सच पर्सन विल बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न. वो एफिडेविट देगा और उसके साथ ये कागज अटैच करेगा और फिर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सर वो अपना पैन भी देगा, अपना आधार भी देगा और उसके बाद वो एक एप्लीकेशन बनाएगा नोटरी वाला
और मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट अब दे देगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो एक दिन में ही मिल जाता है। थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ती है संजय जी, ये तो है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं। वहां बैठे ना नोटरी वाले, उनका काम ही यही, अपने आप सब कुछ कर देते हैं। वो डेबिट कहेंगे हमें वो दो चीजें दे दो और उसके बाद ये साइन करा दो एफिडेविट पे और हम कर दें। और एप्लीकेशन ₹5 का स्टैंप पेपर लगा के दे देते हैं, यहाँ पर दिल्ली में 5 पेपर बन रहे हैं, बाकी पता नहीं क्या है, वो मुझे नहीं पता। थोड़ी नॉलेज आ गई ना मुझे, पता नहीं था, अब जरा ख्याल से करा तो मैंने। तो मैंने क्या कहा, सीधा सीधा तरीका आपका बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है, कोर्ट जाओ, मजिस्ट्रेट जाओ, ये करो। आप नोटरी वाले के पास जाओ, उसको कहो भैया ये डेथ हो गई है, मुझे लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट चाहिए फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। कागज आपको बता दिया, डेथ डिजीज के क्या क्या जाने, डेथ सर्टिफिकेट, पैन, आधार, उसके बाद एक एफिडेविट, जिस एफिडेविट में लिखा जाएगा ये हुआ और ये सबने डिसाइड कर लिया कि एक ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनकम टैक्स के लिए बन रहा है और हम सब साइन कर देंगे। वो एफिडेविट देगा, साथ में आपका अपना पैन देगा, आपका आधार कार्ड देगा और वो एफिडेविट दे दिया जाएगा। फिर वो एक एप्लीकेशन बनाएगा मजिस्ट्रेट के नाम पे, वो एप्लीकेशन लाकर नोटरी वाला आपको साइन कराकर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब आपके पास सर्टिफिकेट आ गया सर, क्लियर हो गया। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन, कई बार होता है कि वो छुट्टी पे है जज, तो 2-3 दिन लग जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगता। अब टाइम लगता है इसको रजिस्टर कराना, किसके, इनकम टैक्स की साइट। तो क्या करना पड़ेगा सर, पहले माई अकाउंट में जाओ, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो माई अकाउंट में जाएगा, अपना आईडी डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा, अपना कैप्चा लेगा और कैप्चा भी नंबर डाल देगा। अविनाश जी ठीक बोल रहा हूं ना, ऐसा ही होता है, मुझे बहुत नया नया पढ़ा है, मैंने कभी कुछ किया नहीं है वाला, पहली बार तो मैंने आज देखा। आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा, कैप्चा डालेगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाकर सबसे नीचे जाएंगे तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, माई अकाउंट होगा यार, माई अकाउंट अलग है, ये माई कंप्यूटर में जाना, तुमने भी नहीं किया इसका मतलब। माई अकाउंट में तो आपने आईडी वगैरह कर दिया, उसके बाद माई कंप्यूटर में जाके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाना, वो उसको टिक करेंगे, फिर आप अपने माई अकाउंट में ही आएंगे। फिर आपको न्यू वो आएगा, न्यू रिक्वेस्ट, आप न्यू रिक्वेस्ट में जाएंगे और न्यू रिक्वेस्ट में जाकर जब आप उसको टिक करेंगे तो नीचे आएगा रिक्वेस्ट फॉर डिजीज्ड, रिक्वेस्ट फॉर डिजीज्ड, हर तरह की अलग अलग रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट है फॉर डिजीज। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की भी तो है ना, मैंने बता, उसकी भी तो रिक्वेस्ट अलग अलग होती है। न्यू रिक्वेस्ट में जाकर आप रिक्वेस्ट डालते, एक कॉलम खुल जाए, उसमें मांगेगा नेम ऑफ द डिजीज, पैन नंबर ऑफ द डिजीज, सारी जो डिजीज की इंफॉर्मेशन है, साथ में मांगेगा बैंक अकाउंट ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और साथ में मांगेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नेम, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का पैन नंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का आधार कार्ड, सब कुछ मांग ले, वो इंफॉर्मेशन मांगकर आप अपलोड कर देंगे। अब इस प्रोसेस में टाइम लगता है, कभी 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन और 15 दिन तक मिल जाता है। आप अपनी रिक्वेस्ट को व्यू कर सकते हो, वहीं जाकर व्यू रिक्वेस्ट है, यू गो फॉर द व्यू ऑफ द रिस्क। अगर वो अभी रिक्वेस्ट व्यू करी, वहां पेंडिंग भी लिखा हो सकता है, या आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर मांगा हो तो आपको वो साथ में आपको वो डॉक्यूमेंट लगाने, सॉरी मैंने वो तो बोला ही नहीं, इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी देने। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ दी, वो स्कैन करके अपलोड करने, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिजीज, पैन नंबर ऑफ द डिजीज, आधार नंबर ऑफ द डिजीज, एक एक एमबी से ऊपर नहीं हो सकता ये, आधार नंबर ऑफ डिजीज, ये सब देना है और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का सर्टिफिकेट ये लगाइए, फिर अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर, ये अपलोड भी करने हैं 4-5 डॉक्यूमेंट उसके साथ। क्लियर हो गया सर। अब व्यू रिक्वेस्ट में लिखा जी ये डॉक्यूमेंट आपने लगाया, दे देना। उसके बाद कुछ दिनों के बाद स्टेटस आएगा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, जो भी एक्सेप्ट हो गया तो अब आप काबिल हो गए हैं रिटर्न भरने की। ठीक हो गया सर। जब आप रिटर्न भरेंगे ना अविनाश जी, तो पहला जो आपका अपने अकाउंट में जाएंगे आईडी पासवर्ड कैप्चा लेके,
तो वहां आएगा पैन नंबर, जब पैन नंबर को दबाएंगे तो दो पैन नंबर आएंगे वहां, अब ऑटोमेटिकली दो आएंगे क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। अब आप अपनी रिटर्न भरेंगे राजेश जी तो अपना पैन नंबर दबा देना, अगर आपने रिटर्न भरनी है लीगल उसकी डिजीज की तो डिजीज का पैन नंबर दबा देना, यही ठीक है ना सर। अविनाश जी गलती हो तो माफ करना, जितना मुझे याद है उतना मैंने प्रैक्टिकल करा और आपको बताया, ठीक है सर। सर पैन नंबर नहीं आता, वहां पे आता है लॉग इन एज सेल्फ, लॉग इन एज रिप्रेजेंटेटिव। अरे नहीं पैन आता है, देखना चल अब तुमने इंप्रूवमेंट नहीं देखी है। पैन नंबर में दो आ रहे, पैन नंबर एक और दो, उस दो को दबाना पैन। चल देख लेना, जहां तक मैं कह रहा हूँ ये है, हो सकता है मैंने कोई देखा हो, ये आपने पुराना देखा हो, मैंने अप टू डेट वाला वर्जन देखा हो, मुझे ये नहीं पता है क्योंकि वर्जन अपडेट होते रहते। समझ में आ गई ना बात, खत्म, बात को समझ में आ गई। अब आप उस पैन से रिटर्न भरेंगे, कुछ नहीं करना, वो तो आपने पैन से रिटर्न भरनी है, जैसे उसकी रिटर्न वो खुद भरता था, आप उसकी रिटर्न भर दो, कहां सर, टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, डेथ तक जो भी है उसकी रिटर्न को फिलअप कर दो, उस डेट तक ही होगी, उसके बाद की तो हो ही नहीं सकती। उसकी जो इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम, सारी हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे डालते हैं जो एटीसी का डिडक्शन है, एटीडी का डिडक्शन है, सब कुछ मिलेगा, ऐसा है ही नहीं कुछ नहीं मिलेगा, उसको डाल के कर दो और नीचे जब वेरिफिकेशन आएगा उस पे आपके साइन हो जाएंगे एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर है। अभी भी हम पिछले सालों तक तो ये रजिस्टर ही नहीं कराते थे, वो जो फॉर्म आईटीआरवी होता था उसी को घुग्गी मार के भेज दिया करते थे, आईटीआरवी होता था ना, उस आईटीआरवी को सिग्नेचर करने होते थे, जब तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं थे वो करार भर दिया। मेरी वाइफ की डेथ हुई, मैंने तो ऐसे ही किया था, चार साल पहले पांच साल पहले उसकी रिटर्न भरी, उधर नीचे घुग्गी मारी आईटीआरवी में और फाइल कर दिया, असेसमेंट हो गई, उसके बाद उसको आना ही कुछ नहीं, उसके बाद तो रिटर्न भरनी नहीं है, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जो रिटर्न भरी जाएगी वो डिजीज का नाम भी आएगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी आएगा, उसका पैन नंबर भी आएगा। पहले जनरल इंफॉर्मेशन जब डालते हैं ना वहां जाना जाता है किस स्टेटस में फाइल कर रहे हो, आर यू फाइलिंग एज ऑन बिहाफ ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसको यस करेंगे तो फिर आपको डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, हम तो जनरल इन्फॉर्मेशन में नॉर्मली छोड़ते ही है, अरे हमें क्या लेना देना जनरल इन्फॉर्मेशन में, लेकिन वहां आता है आर यू फाइलिंग एज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, वहां यस करेंगे तो ये आए। क्लियर हो गया सर, रिटर्न भरना तो आ गया, आगे बढ़े, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, अभी तो सर दो ही सेक्शन किए। 159(3) कहता है द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी डीम्ड टू बी एसएससी ऑन बिहाफ ऑफ डिजीज्ड, ही इज डीम्ड टू बी एसएससी ऑन बिहाफ ऑफ डिजीज, डीम कोहली साहब डीम्ड टू बी एसएससी ऑन बिहाफ ऑफ डिजीज अप टू व्हिच डेट, डेथ के बाद थोड़ी वो डीम्ड एसएससी रहा, ही इज डीम्ड एसएससी अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब एक बात सुन लीजिए, सपोज डेथ हो गई ये मई के महीने, तो अभी तो पिछली रिटर्न भी तो ड्यू है जी, जी सर, और करंट ईयर की रिटर्न भी ड्यू है ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी दोनों रिटर्न भरने की मिल जाएगी, दोनों रिटर्न भरने की मिल जाएगी, करंट ईयर की भी और अगले साल के, वो भी मतलब वो आप उससे पहले वाली नहीं भर सकते रिटर्न, लास्ट ईयर की रिटर्न भर सकेंगे, लेकिन उससे पहले वाली रिटर्न नहीं भर सकते, अगर उसने नहीं भरी और टाइम निकल गया वो नहीं भरेगी, आएगा ही नहीं। और अगर डेथ हो गई है नवंबर में तो अगर रिटर्न भर दी है तो उसके बाद खत्म, वो आपको सिर्फ करंट ईयर की रिटर्न भरने का अलाउ करेगी। इफ द रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड ऑफ द करंट ईयर बिकॉज जुलाई के बाद हुई है तो वो उसको नहीं देखेगा, सिर्फ करंट ईयर की रिटर्न भरने का आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बाकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। बट इफ ही हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न, तो एक साल पिछली जो रिटर्न ड्यू है और एक करंट ईयर की रिटर्न, इतने ही आप फाइल कर सकते हो ऑनलाइन और फाइल कर ही नहीं सकते। ये भी क्लियर हो गया सर। और 159(3) कहता है डीम टू बी एसएससी, और 159(4) क्या कहता है, देखिए आप लीगल हेयर हैं, आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इफ यू पार्ट विद और यू डिस्पोज ऑफ, यू सेल, यू क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द डिजीज, आपने स्टेट की जो एसेट्स हैं उसकी डिजीज पे कोई चार्ज क्रिएट कर दिया, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, पार्ट विद कर दिया, विदाउट डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट इनकम टैक्स,
अभी लाइबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स अनडिस्चार्ज है, लेकिन आपने कोई चार्ज क्रिएट कर दिया, आपने कोई पार्ट विद कर दिया, आपने कोई उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी पर्सनली लायबल ऑफ दैट अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ द चार्ज क्रिएटेड और द अमाउंट पेएबल टू द डिपार्टमेंट विच एवर इज लेस। देखिए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस एसेट को चार्ज कर देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है या पार्ट विद कर देता है, वेदर होल और पर, तो उस केस में जितनी लाइबिलिटी बनती है उसके लिए, क्योंकि वो कहेगा मैंने तो एसेट दे दी, मेरे पास है ही, कहते हैं ना, ही इज पर्सनली लाइबल फॉर दैट अमाउंट ऑफ द चार्ज क्रिएटेड और द अमाउंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, वो पर्सनली लाइबल। क्लियर हो गया सर? सबसेक्शन 159(5) कहता है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 161 सबसेक्शन 2, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 162 एंड प्रोविजंस ऑफ 167 शैल आल्सो बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या है भाई सेक्शन 159(5) में, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के को सेक्शन 161(2) भी लगेगा। 161(2) में लिखा है कि अगर उसमें लिखा है अगर कोई एक्शन लिया गया रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के अगेंस्ट अंडर दिस लॉ, तो फिर कोई और अंडर एनी अदर प्रोविजन में कोई एक्शन नहीं होगा, इसी लॉ में होगा, इसी लॉ में आ गए, क्योंकि आपके एक्शन अंडर 159 है, नो एक्शन कैन बी टेकन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। 162 कहता है जितना टैक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने दिया, he is allowed to recover that tax from the state of the disease, uski liability state of the disease tak hai, he is allowed to recover the record to the state of the disease. Aur 167 kehta hai, dekhiye wo kya keh raha hai ki aapko wo provisions aapko lagenge bas. Aur phir 6 kehta hai ki aap subject to 4 and 5 aapki liability utni hai jitni state aapko mili hai, jitni state aapko mili utni hi liability. Ye clear hua sir? 159 क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है तो राजेश जी पूछिए। मैंने फाइलिंग ऑफ रिटर्न बता दी, मैंने लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग बता दिया, मैंने सेक्शन 159 बता दिया, और मैंने कई भी कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में लीगल ईयर तो उसी दिन वेस्ट हो जाता है, और उस दिन के बाद जितनी भी इनकम आएगी वो तो लीगल ईयर की है, क्योंकि वो एसएच उनको चली गई और वो कमाएंगे और खाएंगे। अभी मैंने 168 नहीं किया है। ये क्लियर हुआ तो बताइए, नहीं तो फिर मैं 168 में आता हूँ। सर आप 168 ही कर लो, कि क्वेश्चन तो 58 है और मिक्स है सर, पता नहीं लगेगा पहले क्वेश्चन कौन सा है, मिक्स है सारे। अच्छा आई आई आपसे तो डेट एक्सटेंशन पे भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं सर, 148 पे भी पूछे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मिक्स है सर। सर मैंने 159(2) में लिखा ना फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रीकंप्यूटेशन जी, मैंने बोला ना द प्रोसीडिंग जो उसके अगेंस्ट हो रही थी वो लीगल ईयर के ऊपर, फॉर द प्रोसीडिंग व्हिच हैव बीन टेकन against already taken against the disease will be taken again shall be deemed to have been taken against the legal representative, to wo uski hogi, lekin bata raha hu main, sun lijiye, legal representative ko inform karna padega jab notice 143(2) mein aaya ya 148 mein aaya ki bhaiya uski to death ho gayi hai aur ye main legal representative, aur jab wo legal representative ko inform karta hai to AO ko notice fresh dena padega 143(2) का या 148 का टू दी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उसको इंफॉर्मेशन की ड्यूटी मेरी भी है, ये नहीं है अगर मैंने नहीं अगर मैंने आजकल तो आपको बता दिया रिटर्न के लिए आपने ऑलरेडी कर दिया, उसकी रिटर्न अगर चली गई तो आप तो बनी गए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, फिर तो आपके रिटर्न में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, लेकिन अभी तक रिटर्न नहीं गई है, रजिस्टर्ड नहीं है, और 143(2) का नोटिस आ गया पिछले साल का, तो प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो 143 का नोटिस आते है, वैसे तो मेरी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना, लेकिन 143 नोटिस जब आपको सर्व हो गया तो आपकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना, और एओ की ड्यूटी है सारे लीगल एयर्स को उठाकर नोटिस देना 143(2) का। अगर वो किसी एक लीगल एयर को नोटिस दे देता है बाकी को नहीं देता, तो ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, असेसमेंट अवॉइड नहीं होगी। प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हो सकती है कि उसने बाकी को नोटिस नहीं दिया, सिर्फ दे दिया, और या आपने एफिडेविट दे दिया कि मेरे को ही दो, तो बात ही खत्म हो गई, आपने कह दिया मुझे ही दो। तो पहला ये जो पुराने लॉ हम पढ़ रहे हैं ना, पुराने लॉ में रजिस्टर्ड होता नहीं था लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर्ड हो गया फॉर फाइलिंग ए रिटर्न, रिटर्न उनके रिकॉर्ड में आ गया है कि भैया इसकी डेथ हो गई है, उसके रिकॉर्ड में आ गया है, लेकिन जब तक रिटर्न नहीं भरोगे, जब तक वो रिटर्न गई नहीं, तब तक तो रिकॉर्ड में कुछ है नहीं,
और प्रोसीडिंग जो ऑलरेडी हो रही है वो प्रोसीडिंग को तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, दैट प्रोसीडिंग विल बी अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कैसे पता लगेगा एओ को घर बैठ के? एओ को घर बैठ के कैसे पता लग गया भैया वो मर गया? रिटर्न तो अभी नहीं आई नहीं है, अभी तो रिटर्न नहीं आएगी जब जब उसका टाइम आएगा ड्यू डेट का, अभी आई नहीं है, मैंने 143(2) का नोटिस दे दिया है। तो उस नोटिस जब सर्व होगा ना तो आपकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना दैट पर्सन हैज डाइड, और वो उसकी डेथ हो गई है, और उसके डेथ के बाद जब आपने इन्फॉर्म कर दिया तो असेसिंग ऑफिसर नोटिस इशू करेगा 143(2) का टू द लीगल हेयर, ऑल लीगल हेयर और लीगल हेयर अपॉइंटेड, तो आपने जो कहा उसको नोटिस इशू कर दिया। ये अब वो प्रोसीडिंग अब लीगल हेयर के आगे नहीं होगी, उसकी डिजीज के हाथ में नहीं होगी, अब उसकी होगी। लेकिन एक लॉ भी कहता है कि सपोज करो प्रोसीडिंग सारी खत्म हो गई, सिर्फ ऑर्डर पास करना और सारी प्रोसीडिंग फिनिश होगी और उसकी डेथ होगी, तो इस केस में अगर ऑर्डर डिजीज के नाम पे भी आए तो वो वैलिड है, डिजीज के नाम पे भी आए वैलिड। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब आपके पास डिजीज्ड है उसका जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो हमेशा ज्वाइंट होना चाहिए। हम लोग बहुत गलती करते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट नहीं रखते। मुझे याद है मेरी वाइफ की जब डेथ हुई तो मैंने ज्वाइंट अकाउंट रखा था। ज्वाइंट का मतलब ये नहीं है अपना, ज्वाइंट अकाउंट का मतलब होता है पहला अपना नाम रखा, मेरा गिरीश आहूजा और मैं अपनी वाइफ का नाम, ये पहला अकाउंट मेरा है। संजय जी दूसरा अकाउंट था माई वाइफ का, रंजना आहूजा एंड गिरीश आहूजा, वो सेपरेट अकाउंट। लोग कहते क्या फर्क पड़ता है हम तो एक ही हैं। सर ऐसा नहीं है, आप एक ही हैं, क्योंकि अगर आप सारी चीजें उसी में डाल दोगे आप वाइफ की इनकम भी उसकी इनकम भी, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि उस पर क्लबिंग का भी प्रोविजन आता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि इनकम टैक्स में दोनों अलग अलग है। चाहे आप अपने आप को एक ही समझो, मियाँ बीबी तो एक ही है, इनकम टैक्स कहते हैं मियाँ बीबी होगी एक, आप इनकम टैक्स में सेपरेट एसएससी है, हस्बैंड सेपरेट एसएससी है और वाइफ सेपरेट एसएससी है। तो ये जो लोग करते हैं ना उठाकर डाल देते हैं एक ज्वाइंट अकाउंट दोनों का, उसी में सब कुछ डालते रहते हैं, उसकी सैलरी भी उसकी सैलरी भी, उसके पैसे भी उसके पैसे में, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये नहीं करना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी अलग अलग करके दिखाना और कल रगड़ा पड़ सकता है। तो वाइफ की इनकम आए वाइफ के अकाउंट में जाए, मेरी इनकम आए मेरे अकाउंट में जाए, हाँ मैं ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हूं और ऑपरेशन करने को भी दोनों पाव। अरे कम से कम इतना विश्वास तो बीबी को कर लो यार कि उसका नाम दिया है तो क्या हो गया, कहीं लेके भागेगी नहीं। एक चीज मैं बता दूं, 50 साल से पहले जितना मर्जी रोम मार लो, 50 साल के बाद राजेश जी सरेंडर सारे कर देते हैं। अभी अश्विनी जी 1 साल और है, 49 के पूरे हुए हैं, अगले साल देखना ये कहेंगे तू ही सब कुछ है मैं कुछ नहीं, हर चीज माननी पड़ती है अश्विनी जी। ये तो अभी कह रहे हैं सर, बीवी अश्विनी जी तो अभी कह रहे हैं सर, 1 साल पहले कह रहे हैं कि सब कुछ तू ही है। ये तो ये दिखावा है, ये दिखावा है अभी तक, वो तो सभी कह देते हैं वो ये दिखावा करे, ये नाटक है, नाटक कौन करता है मैं बोलूंगा नहीं, सारे पॉलिटिशियन नाटक करते वो नहीं कह रहा, ये जो अभी तक नाटक है 50 के बाद दिल ही कहता है तू ही है, क्योंकि बच्चे पूछते नहीं, जो पूछ ले बच्चे तो उसकी किस्मत अच्छी है, वो उसके मोती दान किए हुए भी अपने अपने बच्चा बिजी हो जाते हैं, तो एक तुम और एक वो, दो ही है कमरे में भी दो ही है, तब तो उसी को समझो वही सब कुछ अपनी, तो क्यों घबराते? अरे कर दो ना उसका अकाउंट भी खोल दो। अश्विनी जी कहते मैंने अकाउंट खोला था, तो क्या किया अश्विनी जी ने, बीवी का अकाउंट खोल दिया, और एक दिन बैठी हुई थी बीवी पास में, उसके चेक साइन, उसके चेक से चेक साइन कराया और चेक इशू कर दिया, राजेश जी वो चेक वापस आ गया। भाई वापस कैसे गया? कहते बड़े फंड है, बाद में पता लगा जब अकाउंट खोला, पुरानी बातें कर रहा हूं, जब अकाउंट खोला था साइन ही बीवी के इन्होंने ही कर दिए थे गुप्पी मार के। हम लोग तो ऐसे हैं, बीवी को बताते ही नहीं है और उसका अकाउंट भी खोल देते, अब नहीं खुल सकता, वो जमाने पुराने जमाने की बातें, नहीं आप नहीं नहीं कार्ड दे रहे हैं अकाउंट का कर रहे हो, अब तो सारे देना है, लेकिन पुरानी बातें कर लीजिए, ये सारे बैठे मेरे सामने हैं, सबका भेद खोल रहा हूँ, सभी ने ऐसे किया, आप तो उल्टी बात कर रहे हो, काम खत्म है जी, आप तो खिलाते समय तो बीवी के संग रहते हैं बाद में अपने करते रहते हैं। और जो भी है मैंने बताया ना, अरे विश्वास कर लो वही साथ देगी, स्पाउस हस्बैंड को भी विश्वास करना चाहिए और बीवी को, सर कहीं लेके नहीं भागेगी, 50 के बाद कहाँ जाएगी, इतने साल आपके साथ रह चुकी है, अब क्या जाएगी कहाँ जाएगी, और तुम भी क्या करोगे, तुम्हें कौन सा पूछने वाला कोई और, वही पूछेगी, कर लो ज्वाइंट अकाउंट अलग अलग खोलो,
और वो जो क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ है, अगर किसी की डेथ हो गई, मेरी वाइफ की डेथ हो गई, ज्वाइंट अकाउंट था, अभी तक कई डिविडेंड आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि वो फिजिकल है, फिजिकल मेरे पास सर्टिफिकेट थे, पुराने जमाने में तो फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे इसके शेयर्स के, तो अभी तक डीमैट नहीं हुए हैं, और डीमैट कराने में टाइम लगता है, जब डेथ हो जाए तो जो जब कह रहा है, तो अभी तक डिविडेंड आ रहा है राजेश जी, मैं उस अकाउंट में चुपके से डाल देता हूँ, डाल दिया, मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया डेथ हो गई, मेरा अकाउंट चल रहा है बीवी वाला, उसमें डाल दिया, कोई म्यूचुअल फंड का पैसा आ गया उसमें डाल दिया, कोई रिफंड ही आ जाए पुराना इनकम टैक्स का तो कहां जाएगा, अरे वो डाल दिया, पहले तो रिफंड ऑनलाइन नहीं आता था ना, ये डाल तो पहले जैसे आता, तो मैं यही कहता हूं अकाउंट वाइफ का या मतलब सबका अकाउंट अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ज्वाइंट होना चाहिए, मेरा अभी भी अकाउंट ज्वाइंट है, बीवी नहीं है तो बेटी के नाम को तो ज्वाइंट डाल सकता हूं ना, जिसके नाम डालना है वो डालूंगा, जिसकी बीवी है बीवी के नाम डाले, जिसकी बीवी नहीं है जो उसका है उसी के नाम डाले, लेकिन ज्वाइंट अकाउंट जरूर होना चाहिए, नहीं तो ये लोग कहते हैं नॉमिनी लिख दिया बहुत बड़ी चीज, सर नॉमिनी से काम नहीं चलता है, नॉमिनी मिले तो अकाउंट बंद करना ही पड़ेगा ना आपको, नॉमिनी है तो अकाउंट बंद करना पड़ेगा, और नॉमिनी को, और नॉमिनी समझता है मैं मालिक हूं, नॉमिनी मालिक नहीं है, नॉमिनी ट्रस्टी है उस पैसे की, लीगली नॉमिनी मालिक नहीं है उसका, लेकिन लोग कहते हैं मेरे वाइफ को नॉमिनी बना दिया, बेटे को नॉमिनी बना दिया तो पैसा वो ले गया, उसका पैसा नहीं है राजेश जी, वो ट्रस्टी है, वो पैसा उसका है जो हिंदू सेक्शन 1956 के हिसाब से, या अगर विल के है तो विल के हिसाब से, नॉमिनी क्या चीज है, नॉमिनी तो ओनली ट्रस्टी है, लेकिन हमारे यहाँ तो नॉमिनी ले जाते, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ होता है सर, फादर की डेथ होती है तो सब कुछ माँ को दे दिया जाता है, कुछ नहीं लिखते लिखाते कोई नहीं, सब कुछ माँ को दे दिया जाता है, वो तो हमारा कल्चर है, वो हमारे सेंटीमेंट्स है, दैट इज अ डिफरेंट, अदरवाइज हिंदू सक्सेशन एक्ट में सब कुछ माँ का नहीं है, इक्वल राइट है ऑफ द लीगल हेयर ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ माँ को, वो तो हम रेलिंक्विश कर देते हैं, चाहे ओरली कर दिया या वो कर दिया रेलिंक्विश, नहीं तो है नहीं, तो मैंने ये कहा अकाउंट खोलिए, ज्वाइंट अकाउंट होना चाहिए डिजीज का, जो भी डिजीज है, पर अब उसके केस में ठीक है आपका अकाउंट नंबर जाएगा, आगे से रिफंड तो इधर आ जाएगा, पुराने भी तो कोई हो चीज है, पुरानी की कोई इनकम हो क्या होगा वो आता रहेगा ना क्या, चलिए अभी तक मेरी वाइफ की इनकम आती है, ठीक है मैं अपनी इनकम में दिखा देता हूँ, बात खत्म हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरी इनकम ही है जो वाइफ की इनकम, तो वैसे भी मेरे को मन कर तो मैं दिखा देता हूँ, अदरवाइज वो गलत, चल चलिए वापस। तो मैंने ये कहा 143(2) का नोटिस या 148 का कोई नोटिस आया है और उनके पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, डेथ वाली इंफॉर्मेशन है तो ठीक है वो तो आ जाएगी, तो उस केस में आपको इन्फॉर्म करना है, एंड एओ इज सपोज टू इशू अ फ्रेश नोटिस फॉर 143(2) और 148 एज अ केस में भी। अगर उसने नोटिस नहीं दिया और आपने इन्फॉर्म कर दिया फिर उसने असेसमेंट कर दी वो नल एंड वॉइड होगी, आपने इन्फॉर्म करने के बाद उसने असेसमेंट कर दी वो नल एंड वॉइड होगी, वो असेसमेंट मानी नहीं जाएगी, वो टेक्निकली उधर रॉन्ग है। हाँ आपने इन्फॉर्म नहीं किया तब तो वो बेसिस आएगा कि हमें तो पता नहीं था क्या हुआ क्योंकि नोटिस सर हुआ तो आपने रख लिया, कई लोग क्या कहते हैं नोटिस सर हुआ अपियर हो जाते, अपियर भी हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव और साइन भी कराया लेकिन बताया नहीं, कहता फिर तो वो एक ही बात है, फिर तो उसके आपने अपियर हुए उसके बिहाफ पर तो आप तो एक ही बात है, बताया ना तो भी वो वैलिड होगी असेसमेंट, तो ये भी बात मैं बताना चाहता था, शायद इसी तरह के कोई क्वेश्चन होंगे इसलिए मैंने कहा ये भी बता। आइए अब आगे बढ़े, विल लिखी थी, विल क्या है, मेरी जो इच्छा है वो मैंने उसमें प्रकट करी हुई है और एग्जीक्यूटर को बताया है कि मेरी प्रॉपर्टी को ऐसे बांटना है, कई बार तो प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो इमीडिएटली बढ़ सकती है बांट दी जाती है, कई बार विल में ही लिखा होता है कि देखिए अभी तक प्रॉपर्टी बांटनी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किराए पे लगी हुई है, जब तक मेरी वाइफ जिंदा है और जो किराया आएगा वो मेरी वाइफ को दे देना, और जब किराया वाइफ डेथ हो जाए तो ये प्रॉपर्टी या तक बेचकर इनको दे देना, ये प्रॉपर्टी या इसको दे देना। अब ये तो एग्जीक्यूटर विश कैसे पूरी करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटर ने जो पैसा है जब तक रेंट आ रहा है और लेकिन प्रॉपर्टी तो अभी ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ इनकम ही तो जा रही है लेगेटी को, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं, तो उस केस में वो एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटर करता रहता है टिल द एसेट इज फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उस वजह से सेक्शन 168 लगता है। 168 एग्जीक्यूटर कहता है सब्जेक्ट प्रोवाइडेड हेयर अंडर, सब्जेक्ट है द इनकम ऑफ द स्टेट ऑफ द डिजीज शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स
in the hands of the executor, where there is only one executor in the capacity of individual, where there is more than one executor in the capacity of AOP. Kya keh raha sir? Subject hereunder provided the income of the estate of the deceased. Please note the word estate of the deceased. Estate ka matlab death ke baad wali. Income of the estate of the deceased. Death ke baad wali jo income hai of the estate of the deceased shall be chargeable to tax in the hands of the executor. And where there is only one executor, that will be assessed as individual. Where there are more than one executor, as AOP. Samajh mein aa raha hai? Aur baad mein likha hai. And aage jo kya hai? The executor, the status of the whether the executor will be resident or non-resident will depend upon whether the deceased were resident or non-resident in the previous year in which the death takes place. Samajh rahe hain? Ab to return bharni hai aapne after the date of death or even future year ki bhi bharni hai. Jab tak ki property distribute na ho jaye. To kya residential status hoga? Executor bhar raha hai. Kya? Wohi residential status hoga. Jo residential status individual jiski death hui uska tha us saal jis saal uski death hui. उस साल उसका क्या स्टेटस था? अगर वो रेजिडेंट था तो वो कंटिन्यूअसली रेजिडेंट ही होता रहेगा. वो नॉन रेजिडेंट था तो फ्यूचर में भी नॉन रेजिडेंट ही होगा, क्योंकि डिजीज तो मर गया. लेकिन रिटर्न कौन भर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ डिजीज ऑन द स्टेट ऑफ द इनकम? कौन भर रहा है? एग्जीक्यूटर भर रहा है. ये क्लियर हुआ सर? और सेक्शन ये क्लियर हुआ? और सेक्शन 168(2) में लिखा है कि देखिए एग्जीक्यूटर हैव ए सेपरेट असेसमेंट as executor and there will be separate assessment of his income, which jo uski separate income hai wo to separate hogi na, wo to iske andar nahi aayegi. Do representative uski do ho gayi return. Ek wo bharega on behalf of death deceased, wo jo bhari hai wo uski estate ki bhar raha hai, estate of the deceased ki return bhar raha hai. Uske liye bhi usko register karana padega my account mein as executor representative assessee, uske liye karayega कि भाई मैं एज एग्जीक्यूटर साइन करूं. वो अलग है, लेकिन वो सिर्फ उस दिन तक नहीं है जिस तक दी रेट ऑफ डेथ है, वो तो डेट ऑफ डेथ के बाद है. वो रजिस्टर कराएगा अपने आप, अपनी रिटर्न भी भर सकता है. अपनी रिटर्न का सेपरेट पैन नंबर होगा और एग्जीक्यूटर का ऑन बिहाफ ऑफ डिजीज की स्टेट का सेपरेट पैन नंबर होगा. पैन नंबर सेपरेट होंगे, एक उसका अपना पैन नंबर, एक स्टेट ऑफ द डिजीज एज एग्जीक्यूटर उसका पेन. ये सेक्शन 168(2) है. 168(3) कहता है सेपरेट असेसमेंट विल बी मेड फॉर ईच असेसमेंट ईयर टिल द स्टेट इज फुल्ली डिस्चार्ज दे फुल्ली गिवन टू द लेगेटी. देखिए सर, डेथ हुई है सपोज करो 24 अगस्त, तो 24 अगस्त तक की लाइबिलिटी तो हो गई लीगल रिप्रेजेंटेटिव की. 25 अगस्त से लेकर जब तक लास्ट एसेट बट ना जाए, हर साल की सेपरेट रिटर्न भरनी पड़ेगी एग्जीक्यूटर को. हर साल की सेपरेट, तो पहली रिटर्न होगी 25 अगस्त से लेकर 31 मार्च, फिर अगले साल पूरे सालों की होगी टिल द एसेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. ये रिटर्न भरेगा कौन? एग्जीक्यूटर. सेपरेट पैन नंबर एग्जीक्यूटर को मिलेगा फॉर फाइलिंग दिस रिटर्न, और सेपरेट इसकी रिटर्न जाएगी, सेपरेट असेसमेंट होगी. ईच ईयर इज ए सेपरेट ईयर. ये क्लियर हुआ? सेपरेट. सर मैंने ये देखा है कि कई बार वो उसका बिजनेस होता है. किसका? डिजीज का. वो बिजनेस चल रहा है तो कहता है कि ये बिजनेस चलता रहेगा, कितने साल चलता रहेगा, जब तक सारी एसेट बट नहीं जाएगी आप बिजनेस चलाते रहो, इनकम करते रहो, और उसके बाद जब सारी एसेट बट जाए तो फिर बिजनेस को भी बांट दे या बिजनेस को इस तरह दे दे. सो पता क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस भी चलेगी. वो कई बार 8-8 साल तक एग्जीक्यूटर की रिटर्न जाती है, 8-8 साल तक. और टैक्स कौन सा लगता है? वही टैक्स लगता है जो डिजीज को लगना था. जो डिजीज रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था, उसी हिसाब से उसको टैक्स लगता है. उतने साल, 8-8 साल तक ये स्टेट की रिटर्न जाती है. 8-8 साल तक एग्जीक्यूटर मैंने देखा 10-10 साल तक जाती, जब तक फाइनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए.
ये तो विल बताएगी ना किस तरह। एक और चीज बड़ी है सर, कई बार क्या होता है राजेश जी, जी सर, उसका बिजनेस है किसका, डिजीज का और आप लीगल है तो क्या करते हैं, कई लोग डिजीज के बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं। ये मैं एग्जीक्यूटर की बात नहीं कर रहा, एग्जीक्यूटर अलग है, लीगल एयर को बिजनेस मिल गया, ये एग्जीक्यूटर की बात नहीं कर रहा। अब लीगल एयर को जब बिजनेस मिला तो वो इनहेरिटेंस में मिला, तो उस केस में सवाल आता है तो क्या वो बिजनेस मिला तो इसकी दो बैलेंस शीट बनेंगी उन दिनों में, एक तो अप टू द डेट ऑफ डेथ लीगल एयर बना हो जाएगा और एक फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल 31 मार्च। लेकिन इसमें पता है एक क्या है, अगर सुनिए रजेश जी, डिजीज का कोई लॉस है, बिजनेस लॉस, हेड ऑफ इनकम का लॉस है उस बिजनेस का, दैट लॉस विल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हेयर हु हैज इनहेरिटेड दैट बिजनेस, बट नॉट फ्रेश 8 ईयर, ओनली फॉर द बैलेंस नंबर ऑफ 8 ईयर्स, जितने बैलेंस नंबर है वो है। ये कहेंगे कोहली साहब ये कहां लिखा है सर ऐसा चीज कि भाई बिजनेस इनहेरिटेंस किया तो लॉस लीगल हेयर का वो डिजीज ले जा सकता है। सर ये सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 में लिखा है। कोहली साहब 78(2) खोल लो अगर सामने है तो, 78(2) में लिखा है कि अगर आप इनहेरिटेंस से बिजनेस ले रहे हैं तो अगर वो लॉस है बिजनेस लॉस किसका, डिजीज का, और वो आफ्टर फाइलिंग रिटर्न अभी भी बिजनेस लॉस है क्योंकि आफ्टर द डेट ऑफ रिटर्न तो उसी का जाना है, डेट ऑफ रिटर्न के बाद अभी भी लॉस है, वो लॉस इनहेरिटेंस वाला जो है वो लीगल हेयर जो बिजनेस जिसने इनहेरिट किया है वो कैरी ऑन कर सकता है। अगर उसने 4-5 साल तक ले लिया था लॉस कैरी फॉरवर्ड तो 3 साल तक ले सकता है। वो अमलगमेशन डीमर्जर में तो अलग है, 72A में ओनली फ्रेश 8 ईयर्स होते हैं, डीमर्जर में फ्रेश 8 ईयर होते हैं, लिमिटेड कंपनी से LLP बनाई वो फ्रेश 8 ईयर होते हैं, वो चीज अलग है। मैं जो कह रहा हूं वो ये है इनहेरिटेंस हुई और इनहेरिटेंस को बिजनेस जो फादर का अब आप चला रहे, तो सर जो फादर का बिजनेस आप चला रहे हैं ना, जो लॉस हुआ था ना किसको, फादर को बिजनेस का, अगर वो अभी सेटअप नहीं हुआ तो लीगल हेयर को सेटअप करना अलाउड है। अगर किसी के पास 78(2) है तो जरा पढ़ दो तो जरा अच्छा लगेगा, ये पॉइंट लोगों को पता ही नहीं कहां लिखा है 78(2), दो लाइनों का है, 2 या 3 लाइन है किसी के पास एक्ट सामने। हाँ जी दबीजा साहब ने इमीडिएट भी खोल दिया, सो दबीजा साहब पढ़ के बताएंगे 78(2). Sir, 78 बंद तो फॉरम के लिए 78 सबसेक्शन 2 गुरुजी अनम्यूट कर लो सर दमीजा साहब अनम्यूट कर लो अभी तो खोल रहे हैं किताब अभी तो ढूंढना पड़ेगा कि 78 सेक्शन है किस पेज में तो टाइम बसन चौधरी साहब बताएंगे किंग होने नहीं बिजनेस और प्रोफेशन हैज बीन सक्सेडेड इन सच कैपेसिटी बाय अनदर पर्सन अगर ध्यान रखना अगर वो बिजनेस को लीगल एयर कैरी ऑन करता है वही वाला इनहेरिटेंस में, तो उस केस में जो अगर प्रीवियस लॉस है चल रहा आ रहा है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो बैलेंस नंबर ऑफ इयर्स तक वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है एज पर सेक्शन 78 सबसेक्शन 2। ये एक ही है जो वहां पर ये लिखा है और कहीं नहीं है, मैं आपको बता। चले सर आगे, हेडिंग ऑफ द सेक्शन इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सर वो 78 माने है जो फर्म का है। हाँ जी नहीं मैं आई एम जस्ट रीडिंग आर ऑन सक्सेशन, दिस इज सक्सेशन। ठीक है सर, क्लियर है सर। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़कर आपको बता दिया और आप ये समझ रहे हैं अलाउड है इनहेरिटेंस का लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं लीगल एयर की वो कर रहा था, वो जो एग्जीक्यूटर रिटर्न भरेगा, क्या स्टेटस होगा एग्जीक्यूटर, मैंने ऑलरेडी बता दिया वही स्टेटस जो डिजीज का था इन द ईयर इन विच द डेथ टुक प्लेस। अगर डिजीज का स्टेटस रेजिडेंट था तो ये भी रेजिडेंट रहेगा जब तक
लास्ट रिटर्न जाती रही। डिजीज का स्टेटस नॉन रेजिडेंट था तो ये भी नॉन रेजिडेंट, ये क्लियर हो गया। लेकिन ये एग्जीक्यूटर को राइट होगा टू रिकवर द टैक्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ द डिजीज। ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द डिजीज से टैक्स देगा, अपनी जेब से थोड़ी देगा। एक और है, जितना जितना पैसा बढ़ता रहेगा उतना उतना पैसा इनकम से कम हो जाएगा और वो इनकम लेगिटी की हो जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर सर हाउस प्रॉपर्टी इनकम आई, और हाउस प्रॉपर्टी अब आपने दे दी एक एक्स को या वाई को या जेड को, तो आपने वो उसको दे दिया वो प्रॉपर्टी, तो उस केस में वो जो इनकम है अब वो उसकी होगी जिसको वो प्रॉपर्टी मिल गई। जब तक मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर में आपने इनकम बांट दी और उसको दे दी है, तो वो इनकम उसकी मानी जाएगी जिसको प्रॉपर्टी आ गई है। और जब तक प्रॉपर्टी आपके पास है अभी बटी नहीं है, तब तो इनकम स्टेट की होगी और स्टेट के ऊपर आप टैक्स देंगे एग्जीक्यूटर। लेकिन जो जो चीज लेगेटी को चली गई, जो जो इनकम लेगेटी को चली गई, वो फिर इनकम लेगेटी अपने हिसाब से अपने इनकम टैक्स में जोड़ेगा, अपनी रिटर्न में जोड़ेगा, ये स्टेट में नहीं जाए। ये 168 सेक्शन कहता है। 168 सेक्शन बहुत क्लियर कर रहा है कि एग्जीक्यूटर विल कीप ऑन फाइल। पहली रिटर्न तो भरनी एग्जीक्यूटर ने नेक्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द 31st मार्च, ये तो भरनी भरनी है जब तक कि सारा कुछ बटना गया हो। उसके बाद अगले सालों में वो वाली रिटर्न भरनी है जिसकी इनकम स्टेट के पास ही है, जिसकी इनकम बटी नहीं है। किसमें? लेगेटिव में बटी नहीं है। जो इनकम लेगेटिव में बट गई वो लेगेटिव करेगा, जो नहीं बटी वो ये। क्लियर हो गया सर? ये पॉइंट 168 का था जो मैंने आपको बताया। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछते रहिए। 91 क्वेश्चन है सर। कोई बात नहीं सर। सर एक चीज पूछें, इसमें स्टेटस तो रेजिडेंशियल का तो हो गया जो लीगल हियर का डिसीज पर्सन का था, जो एस्टेट हो गई वो एओपी में रजिस्टर होगा पैन नंबर की एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी उसका एग्जीक्यूटर का होगा? नहीं नहीं, एग्जीक्यूटर अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल होगा। डेथ तो पड़ेंगे इतने एग्जीक्यूटर, फिर एओपी मिलेंगे। जो एग्जीक्यूटर का जो पैन नंबर सेपरेट लेना है वो टैक्स तो वही लगेगा। लेकिन देखिए मैंने ये बताया, एग्जीक्यूटर अगर इंडिविजुअल है तो एग्जीक्यूटर एक ही होगा। अगर एग्जीक्यूटर एक दिन वन है तो कैसे एज इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं आएगा, एज एओपी कैपेसिटी में, फिर वो एओपी कैपेसिटी में आएगा। लेकिन एओपी में तो वही रेट लगता है जो इंडिविजुअल का लगता है, वो तो वही रेट है यार, स्लैब रेट तो वही है, उसमें भी वही स्लैब रेट है सर, वही स्लैब रेट है। स्टेटस क्या डालना पड़ेगा, इंडिविजुअल डालना पड़ेगा कि ना, फिर एओपी डालना पड़ेगा, मोर देन वन है एग्जीक्यूटर। अगर एग्जीक्यूटर एक है और लीगल ईयर ज्यादा है तो सर वो कुछ नहीं होता एग्जीक्यूटर कर, आहा वो इंडिविजुअल लीगल ईयर छोड़ दो, तब अब दो चीजें मिक्स कर रहे। जब तक डेथ हुई, डेथ वाले तो लीगल ईयर एक ने एफिडेविट दे दी, डेथ के बाद एग्जीक्यूटर अपनी रिटर्न भर रहा है इन कैपेसिटी ऑफ एग्जीक्यूटर, वो रिटर्न उसकी है एज एग्जीक्यूटर, तो लीगल ईयर कहां से पैदा हो गए उसमें? लीगल ईयर तो उसमें तब पैदा होंगे जो जो उनको बैठ गया उस इनकम को। इसमें तो एग्जीक्यूटर रिटर्न भर रहा है, लीगल ईयर कोई नहीं भरेगा। लीगल ईयर तो भरेगा जो पैसा उसको ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिल गया वो अपनी इनकम में जोड़ लेगा, लेकिन जो पैसा उसको लेगेटी को नहीं मिला वो तो स्टेट की इनकम है ना, तो स्टेट की इनकम ही चलती रही, स्टेट की इनकम चलती रहेगी और वही बेनिफिट मिलेगा, वही रेट लगेगा जो इंडिविजुअल का रेट है। बिल्कुल एग्री सर, वो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ स्टेट का स्टेटस क्या होगा, इंडिविजुअल रहेगा कि एओपी रहेगा? सर आप इंडिविजुअल ही है तो जब एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर का स्टेटस देखना है, एओपी का नहीं देखना। एग्जीक्यूटर का स्टेटस क्या है? एग्जीक्यूटर का स्टेटस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एग्जीक्यूटर का स्टेटस एओपी है तो एओपी। मैं तो एग्जीक्यूटर का देख रहा हूँ ना सर, आप एग्जीक्यूटर रजिस्टर कराया है, अगर सिंगल पर्सन ने कराया तो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, अगर मोर देन वन ने कराया तो एओपी कैपेसिटी में करेगा। इंडिविजुअल का स्टेटस भरा जाएगा सर। सुनील जी पढ़ो 161 सबसेक्शन 1 आपके सामने है, पढ़ के जरा सुनो। 168 सबसेक्शन 1 राइट सर, राइट राइट। Shall be chargeable to income tax in the hands of the legal heir, in the hands of the executor, where अगर पढ़िए अब मैंने सारी अंग्रेजी बोल दी, सारी शुरू से पढ़ के बताना इनको। Subject
as hereinafter provided. Aji, hereinafter provided. Income of the estate of the deceased shall be chargeable to tax in the hands of the executor. मैंने यही बोला सर. If there is only one executor, then as if the executor were an individual. Or if there is are more than executors, more than one, then if the executor were an association of persons. तो मैंने भी यही कहा. बिल्कुल ठीक. सर मैंने भी यही कहा है. मैं तो कह रहा हूँ ना, हाथ कंगन को आरसी का पढ़ के उसी पर पूछ लो. मेरे सामने जब लाओ में आओ ना, किताब साथ में रख लो, तब मुझे मजा आता है कि पढ़ के देख ले भैया मैंने कुछ नहीं कहा. लॉ में जो लिखा मैं वो बोल रहा हूँ. लेकिन रेट और पढ़ दे. बिल्कुल ठीक है सर. हाँ पढ़ लो वो रेजिडेंशियल स्टेटस लिखा है नीचे. हाँ पढ़ लो. एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एग्जीक्यूटर शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट अकॉर्डिंग टू एज द डिसीज्ड पर्सन वाज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द एक्ट टेक्स प्लेस. क्लियर हो गया सर? यही बताया था मैंने. रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे डिसाइड करेंगे कि जिस साल डेथ हुई तो वो डिजीज का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस था, वही वाला होगा. सर सेक्शन पढ़कर ही मजा आता है, तब भी समझ में आती है. और अब तो पढ़ना पड़ेगा ही सुनील जी, अब तो फेसलेस असेसमेंट है. अब तो मैं हूं ना नहीं है, आपको एक-एक सेक्शन पढ़कर तैयारी करनी पड़ेगी, ड्राफ्टिंग करनी है, ये करनी है. या फिर वो सुनील जी के पास आएंगे, यार ये ड्राफ्ट कर दो, मेरे को तो आता नहीं है. तो सुनील जी तो सेक्शन देख के ही करेंगे ना. और ये काम बढ़ जाएगा जिनकी नॉलेज है. अगर आदमी को नहीं समझ में आया तो दूसरे के पास जाएगा, भैया इसका आंसर ड्राफ्ट कर दे, मेरे बस का नहीं. ये तो रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस होगा. ये बता असी एक असेसी दी इन दी एग्जीक्यूटर कैपेसिटी एज एग्जीक्यूटर ऑफ द विल ऑफ एक्स, असी 10-11 साल रिटर्न भरी. मैं तो कह रहा हूं, मैंने आपको बोला 10-11 साल तक रिटर्न जाती है टिल द लास्ट पीस ऑफ एसेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. लास्ट एसेट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. बस तब तक आप वो सेपरेट एक असेसी मिल जाता है. कई लोग तो असेसी बनाकर मुझे मजा ले रहे हैं सेलिब्रेट के, वो चलते रहते हैं. करेक्ट करेक्ट. जितनी इनकम ऑफ एस्टेट है, बाकी जो जो बट गया वो तो उसके चली गई लीगल ईयर को. जो नहीं बचा लीगल ईयर, जो भी उसके जिसको बेनिफिशियरी थे उनको चली गई लेगेटी को, बाकी जो बची स्टेट की वो आप रिटर्न भरते रहेंगे और एग्जीक्यूटर भरता रहेगा. क्लियर है सर? सर एक क्वेरी है सर, एक क्वेरी है. There are more than one executor, then the return will be filed as an AOP. Then in that situation, जो signature करेंगे, तो उनमें से कोई एक executor करेगा या AOP को? सर आपको ये पता है AOP की return जाती है तो signature तो एक ही करता है. Partnership की return जाती है तो सारे partner थोड़ी sign करते हैं. One of the two is allowed to sign. उसमें problem ये है कि उसके अंदर जो PAN number लिखा जाएगा तो क्यों, क्या तो पैन नंबर उसी का लिखा जा रहा है? साइन तो कोई करेगा ही ना यार. अरे आप पैन नंबर फॉर्म का लिखते हो तो साइन कौन करता है? तो फिर उस एओपी का कोई पैन नंबर लेने की आवश्यकता थोड़ी है. अरे वो एग्जीक्यूटर का पैन नंबर एओपी में तो आएगा, वही आएगा, वो पैन नंबर एओपी का होगा. ठीक ठीक. एग्जीक्यूटर एज एओपी. राइट राइट सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अब क्वेश्चन आ गए हैं सर मोर देन 100, तो क्विकली कर लें सर. बोलिए सर, बोलिए. फर्स्ट क्वेश्चन सर, माय फादर-इन-लॉ 78 इयर्स हैविंग वर्क्ड एज प्रोफेसर इन दयाल सिंह कॉलेज एक्सपायर्ड ड्यू टू कोविड ऑन 4th मई 2021. विल माय मदर-इन-लॉ कंटिन्यू गेट टू पेंशन? विल सी कंटिन्यू? वो तो फैमिली पेंशन है, वो तो मिलती है. हां, उनका क्वेश्चन है विल रिटर्न ऑफ इनकम हैव टू बी फाइल्ड फॉर 21-22-23? क्लियर हो गया क्वेश्चन का? पहले उनकी डेथ हुई, सुन लीजिए, 4 मई को डेथ हुई, अप्रैल मई की रिटर्न भरनी है या पिछली रिटर्न जो पड़ी हुई है वो भरनी है? पिछले साल की रिटर्न भी तो गई नहीं ना, भी 31 मार्च 21 वाली रिटर्न तो जुलाई में जानी है, तो वो रिटर्न कौन भरेगा? लीगल ईयर. लीगल ईयर वाइफ भी हो सकती है वो रिटर्न. और अप्रैल से मई 4 तक, अप्रैल टू मई 4 तक अगर 2.5 लाख से कम है तो भरनी नहीं. बिल भरने की क्या जरूरत है? तेरी बात समझो, अगर इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भरनी नहीं, एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर तो भरनी है, लास्ट ईयर की भरनी है. और 4 मई के बाद जो पेंशन फैमिली पेंशन मिलेगी वो तो वाइफ ही भरेगी, और वाइफ को सेक्शन 56 में सेक्शन लगेगा और वहां पर 15,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी फैमिली पेंशन में. वो तो लॉ है, 1/3 ऑफ 15,000 व्हिचएवर इज लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पोजीशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टीडीएस डेट फॉर फोर्थ क्वार्टर सर। सर ये बात मेरे को क्यों पूछ रहे हो सर? सर ये तो थर्टी है, मैं कुछ नहीं हूं। प्रोविडेंट फंड की एक्सटेंशन हो चुकी है, ईएसआई की एक्सटेंशन हो चुकी है, अब इनकम टैक्स की क्या होगी मुझे तो पता नहीं। सर टीडीएस फोर्थ क्वार्टर, वो एक ही बात है, इनकम टैक्स टीडीएस में ही आता है। जी जी जी, अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चल आएगी, जैसे पिछली बार आया था इस बार भी आएगा। बढ़वा दो, रिक्वेस्ट है आप बढ़वा दो सर, एक्सटेंड करा दो ना। सर मैं कौन हूँ सर? सर आप ही हो। 30 सर फाइल की हुई है इसके ऊपर से, 24 तारीख को आ रही है वो, इट्स ऑलरेडी अंडर। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी हैज टर्नओवर 2 करोड़ की है, उन्होंने 44AD में 8% के हिसाब से 40। अरे यार ये तो लीगल ईयर पूछ रहा है, 44AD पूछ रहा है। चलो इसको छोड़ देते हैं सर, है पार्टनर्स भी पर्सनली लायबल होते हैं टिल द डेट ऑफ द रिजोल्यूशन। The partners are jointly and personally liable for all the liability of the firm. उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अब ये कह रहे हैं कि person exist नहीं करता, आपने inform कर दिया तो technical mistake है, तो problem आ सकती है एक department में। अगर आपने inform किया हुआ है, फिर तो वो तो return तो किसी partner के नाम तो आएगा notice तो partner के नाम आएगा ही ना। अगर वो firm के नाम नहीं आएगा तो partner के नाम तो आएगा। जी सर, जी सर। Next question. My dad was who was also a CA died in December. Now my mom, me and my brother are legal heir. What will happen to property, rental income, FD interest? Already clear हो गया है तो। मैंने बता दिया, अगर वो अगर तो बिल है तो बिल के हिसाब से, नहीं है तो वो आएगा up to the date of death, वो लगेगा, बाकी उसके बाद प्रॉपर्टी अपने आप आपको आ जाएगी एज पर हिंदू सबसेक्शन 1956, आपको बता रखा मैंने, वैसे कर लेना। Next question. How will income of a professional be taxed in the hands of his wife, who is also a non-professional and has tax audit? मैंने क्या कहा सर, वो जब अप टू द डेट ऑफ डेथ है वो तो सेपरेट रिटर्न है, उसको अपनी रिटर्न से क्यों मत रहे हो? वो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न है और आपकी अपनी रिटर्न है, उसका पैन नंबर अलग है, आपका पैन नंबर अलग है, उससे क्या मतलब है वो? और वो अपनी डेट ऑफ डेथ ही लेना है, उसके बाद थोड़ी लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट कैपिटल गेन व्हेन एग्जीक्यूटर सोल्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज एंड टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% द नेम ऑफ एग्जीक्यूटर After getting the probate from court? Sir, आप एग्जीक्यूटर के नाम पर टीडीएस कटा है जी, और एग्जीक्यूटर बाय स्टेट थी जी, तो स्टेट थी तो आपको अंडरटेक उस पर देना चाहिए था, जब हुआ उसको जिसने टीडीएस कटा उसको बोलना चाहिए था कि ये हो गया है और प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, टीडीएस मेरे नाम पे काटो, ये तो लॉ है। यू शुड हैव गिवन हिम द अंडरटेकिंग कि ये रहा, ये नाउ आई एम द ओनर, ठीक है एग्रीमेंट तब हुआ था, अब मैं ओनर हूं, इस मेरा टीडीएस काटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए नोटिस अंडर सेक्शन 131(1)(a) बी सर्वड ऑन द डिजीज्ड पर्सन? सर डिजीज पर्सन के ऊपर मैंने कहा व्हाटएवर प्रोसीडिंग हैड बीन टेकन अगेंस्ट द डिजीज विल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन अगेंस्ट द लीगल हेयर, अगेंस्ट द लीगल हेयर, और अब तो लीगल हेयर ने इन्फॉर्म कर दिया है तो वो ठीक है, नहीं इन्फॉर्म किया तो आप जब आया प्रोसीडिंग आप लिख दो कि इनकी डेथ हो गई है और वो फिर आपको नोटिस दे सकते हैं। Next which question. Could have been taken will be can be taken against you. Next question. Father wills properties and fixed deposit in equal proportion to his son and wife. On death, properties not mutated, but FDs are divided equally. How will the legal heir? तो mutated कराना कोई mutation को जरूरी थोड़ी होता है। आप बिल के हिसाब से जाकर उसमें म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाइए, वो आपके नाम पर हो जाएगी। अभी तो कराने नहीं होता, म्यूटेशन कराने के लिए तो क्या देर लगेगी? नहीं है तो बन तो कहीं है, आप रिकॉर्ड में ना भी है, बने तो आप है ना, आपके पास बिल है तो आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। सर एब्सोल्युटली वी हैव टू जस्ट टू गो टू द एमसीडी एंड नो अदर अथॉरिटी, कोई जाना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं जाना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ एसएससी वाज फाइल्ड शोइंग इनकम ऑफ हिज वाइफ that was received after the date of her death during the year ending March under income from other sources and claimed the TDS appearing in wife 26 years. यही तो हमारी गलती है, आपको बता दूं ये भी हमारी गलती है, डेथ के बाद
टीडीएस के लिए हम इन्फॉर्म नहीं करते कि भैया ये उसकी डेथ हो गई है तो टीडीएस हमारे को हमारे नाम पे दिया जाए, उसकी डेथ हो चुकी है लेकिन अभी भी रिटर्न भरनी है तो आफ्टर दी डेथ तो रिटर्न आपकी है नहीं, आपकी तो है नहीं, तो आपको तो या तो वो ठीक करानी चाहिए थी, क्योंकि प्रॉब्लम यही है हम लोग इन्फॉर्म नहीं करते और ना इन्फॉर्म करने के बाद टीडीएस कट जाता है और टीडीएस कट जाता है रिटर्न उसकी तो जानी नहीं है, रिटर्न तो उसकी डेट ऑफ डेथ तक है, डेट ऑफ डेथ के बाद तो रिटर्न है ही नहीं। तो आपके पास एक सेक्शन है 37BA रूल है, उस रूल में आप एक अंडरटेकिंग दे देते हैं वहां पर तो उसको जिसने टीडीएस काटना है कि शी हैज डाइड और ये मेरी है तो मेरे नाम पे काटा जाए तो वो अलाउड हो जाता है, लेकिन ये हमारा इन्फॉर्म करने का पर्पज है, नहीं तो फिर उसकी तो रिटर्न गई नहीं तो रिफंड कैसे क्लेम करोगे, रिफंड करोगे तो वो तो डिजीज हो चुका है, यही तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, यही तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। नहीं सर उसके अंदर एक रिटर्न में वो एक रिटर्न में कॉलम दिया गया था, रिटर्न में कॉलम है उसमें आ जाता है ना, आ जाता है सर, रिटर्न में कॉलम दे दिया गया है, जी 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 उसमें आ जाता है, उसमें करवाया था रिटर्न में कॉलम दे दिया गया कि उसका इनकम मेरे में आना तो वहां मिल जाएगा क्रेडिट आपको, उसका पैन नंबर राइट पैन नंबर डाल के मिल जाएगा, मेरे को याद आ गया ये डलवाया था ये वाला रिटर्न में, हाँ हाँ वो मिल जाएगा, इनकम अगर मेरे यहाँ पे क्लब हो रही है तो उसका वो नंबर, जैसे माइनर की भी तो होती है ऐसे, तो इसलिए कई बार माइनर का टीडीएस कट जाता है, तो वो भी ऐसे 4-5 साल पहले आपने करा के दिया था ये, आज ही मेरे को याद आ गया मैं भूल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इज देयर एनी स्पेशल प्रोविजन और रिक्वायरमेंट इन द केस एनआरआई असेसी, ऑल द लीगल हेयर आर आल्सो एनआरआईस, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, एजेंट तो एजेंट ही होता है, अरे आप एनआरआई के हैं तो आप लीगल हेयर हैं, अगर लीगल हेयर है तो आपको इनकम टैक्स इंडिया में इनकम रिटर्न है तो भरनी पड़ेगी, आप ये हो सकता है कि वो ना भरे तो एजेंट पे नॉन रेजिडेंट लगा देंगे, एजेंट पे लगाओ, लेकिन आप लीगल हेयर तो आप ही हैं, चाहे आप बाहर बैठे हैं या अंदर बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल हेयर इंडियन लायबिलिटी है, इंडियन इनकम है तभी तो लीगल हेयर बने, एसेट भी तो इंडिया की आप ले रहे हैं तो इसीलिए तो उस डेट तक तो करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर एज देयर इज नो सिस्टम फॉर चेंज ऑफ सिग्नेटरीज डिटेल ऑन टीडीएस पोर्टल। सर ये काम मुझे नहीं पता, मेरे को वो करने की नहीं आती है कि ये क्या होगा, वो रजिस्टर कराओगे तो क्या टीडीएस रिटर्न किसने भरनी है, आप तो लीगल ईयर ही भरेगा, तो लीगल ईयर भरेगा कि पोर्टल पे वो नहीं है तो जब रजिस्टर करा लेगा तो उधर भी आ जाएगा शायद, मुझे नहीं पता ये वाला, ये मैं प्रैक्टिकल रिटर्न में भरता नहीं तो मुझे पता भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन ड्यूरिंग द सर्च आफ्टर हिज डेथ इन द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग। सर जो स्टेटमेंट तो आप यही दोगे ना, मुझे नहीं पता बहादुर ने क्या किया, जो मुझे पता है मैं वो बता देता हूँ, जो मुझे नहीं पता मैं कहां से बताऊंगा, ये तो आप ये स्टेटमेंट भी तो मैं ही बताऊंगा यार, ये तो यार जो आपको पता है वो बता दो, जो नहीं पता नहीं पता। सर लोग आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है सर, जो आप कह देते हो वो पत्थर की लकीर है सर, वो ठीक होगा वो बता देना, पता है जो नहीं ठीक होगा मुझे नहीं पता, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी कंसीक्वेंस वेयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मे बी पर्सनली लायबली। मैंने बोला ना, अगर वो एसेट जो उसने अगर उसने पार्ट विद कर दी, डिस्पोज ऑफ कर दी, सेल कर दी, तो उस केस में उतने अमाउंट तक वो पर्सनली लायबल होगा, अदरवाइज पर्सनली लायबल नहीं है, अदरवाइज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, लेकिन ये पार्ट विद करिए तो फिर पर्सनली लायबल हो जाएगा कि तूने बेची क्यों और टैक्स क्यों नहीं दिया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट डज इट मीन दैट स्क्रूटी नोटिस कैन नॉट बी इशूड इन द नेम ऑफ डिसीज बट कैन बी इशूड इन द नेम ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यस यस यस, पहले तो उनको अगर पता नहीं है तो फिर तो वो 143(2) उसी को देंगे, और आप फिर क्योंकि अभी तक आपने रिटर्न नहीं भरी है क्योंकि लीगल ईयर की, तो आप फिर उसको इन्फॉर्म कर दीजिए, वो 143(2) नोटिस आपको दे, फ्रेश आ जाएगा। हाँ, और अगर आपको अगर टाइम लिमिट निकल गई है तो 148 का हथियार तो उसके पास है ही है, बात क्या है सर, 148 का हथियार तो है ही, सब आ रहे हैं 148 आ रहे हैं सर। सर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द स्क्रूटनी असेसी एक्सपायर एंड डिपार्टमेंट इन्फॉर्म बट द डिपार्टमेंट फ्रेम द ऑर्डर इन द नेम ऑफ असेसी। मैंने शुरू में बताया, अगर तो प्रोसीडिंग सारी कंप्लीट हो चुकी थी, कोई फर्दर नहीं रिक्वायर्ड थी, फिर ऑर्डर पास किया गया, वो तो वैलिड माना जाता है, नहीं तो अगर प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई, डिपार्टमेंट हैज टू टेक द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड एंड पास द ऑर्डर ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको लेना पड़ेगा रिकॉर्ड में, सबको लेना पड़ता है, फिर वो एक अंडरटेकिंग देते हैं कि इसको रख लो तो वो हो जाता है,
लेकिन वो रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा उसको एओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए रिप्रेजेंटेटिव एसई इन्वेस्ट इन बॉन्ड इन हिज पर्सनल नेम अंडर सेक्शन 54 ईसी एंड टेक बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। किस बात का अप टू द डेट ऑफ डेथ वाला है, तो उसका पॉइंट आप ये कहना चाहते हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ से पहले इन्वेस्टमेंट करी और वो इन्वेस्टमेंट आप 6 महीने का करना चाहते हैं, यही कहना चाहते हो? तो वो तो सेक्शन में लिखा हुआ स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द लीगल डिजीज, तो स्टेप टू द शूज वो आपको 54 का बेनिफिट मिल जाता है, इसी में कर दो जमा और लिख दो कि ये वाला है। ये तो आप सेक्शन देखो उसमें अलाउड है कि जो चीज वो कर सकता था, क्योंकि तो उसके ऊपर टैक्स लगना है, तो जो वो कर सकता था लीगल डिजीज वो लीगल ईयर कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर प्रोसिक्यूशन इज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डिसीज एंड बिफोर इन्फ्लिक्टिंग वो गया पनिशमेंट, मर गया तो गया, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता लीगल ईयर के लिए। पेनल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट लग सकता है, टैक्स लग सकता है, प्रोसिक्यूशन तो उस आदमी को होना है जिसने कर किया, नो प्रोसिक्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच इनकम द एग्जीक्यूटर हैज टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर द विल इज एग्जीक्यूटेड, कैन एनी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द डिसीज बी रिकवर्ड फ्रॉम लीगल हेयर्स व्हेन नो असेट्स आर लेफ्ट बाय द डिसीज्ड। एक मिनट, अगर डिसीज के उतना ही अमाउंट ले सकते हैं जितना वैल्यू ऑफ द एसेट्स है, अगर वैल्यू ऑफ द एसेट्स नहीं है तो डिसीज से कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता टू द एक्सटेंट ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट ही जीरो है तो फिर वो किस बात का इनकम टैक्स ले सकते, नहीं ले सकते, लेकिन स्टेट जितनी है उतने तक का ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज टू इमीडिएटली इंटीमेट डेथ ऑफ असेसी और टेक स्टेप टू कैंसिल पेन रजिस्ट्रेशन, व्हेदर नोटिस इशूड टू डेड पर्सन इज वैलिड। मैंने कहा नोटिस इज टू डेड पर्सन इज नॉट वैलिड, बट द नोटिस इज गिवन टू यू, यू हैव टू इन्फॉर्म दैट द पर्सन हैज डाइड। ये तो अपनी ड्यूटी है, मैंने मान लिया क्योंकि उनके पास अभी रिकॉर्ड में आया नहीं, क्योंकि रिटर्न नहीं भरी लीगल ईयर में और डेथ हो गई है, जैसे पिछले साल का नोटिस आ रहा है अभी तक रिटर्न नहीं गई है तो डेथ हो गई है, तो उस केस में जब आपका नोटिस आया है तो ये ड्यूटी है। कई बार तो वो आपने अपना ही वो दे रखा है ईमेल, वो दे रखा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि नोटिस सर्व हो गया है तो आपकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना कि ये नोटिस सर्व हो गया, और नहीं करोगे तो अल्टीमेटली वो 148 में जाएगा बाद में, बात क्या हो जाएगी। सर व्हाट अबाउट नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशूड टू डिसीज असेसी कैन बी रेस्पॉन्ड आफ्टर 30th जून। सर ऐसा है, आपको इन्फॉर्म करना है, ये तो सोते रहेंगे ना 30 जून तक निकल जाए तो नोटिस इनवैलिड हो जाए, इनका पॉइंट तो ये है कहने का कि 148 कर दो नोटिस इनवैलिड हो जाए और ताकि हो जाए, ये कहने का मतलब है इनका। अगर वो है इनवैलिड हो गया तो आपने इन्फॉर्म नहीं किया, वैसे ड्यूटी है, लिखा नहीं है कई लॉ में, मैं मानता हूँ इंटीमेट करना पड़ता है वैसे आपको जब सर्व, अगर आप इंटीमेट नहीं कर रहे बिकॉज रूल क्या है कि लीगल ईयर प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द लीगल ईयर इज टेकन अगेंस्ट यू, What could have been taken against the you? तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं बताएंगे तो वो नया नोटिस बनाकर 148 दे देगा, उसको invalid, null and void कर देंगे, तो अभी टाइम पीरियड होगा तो नया नोटिस कर देगा अगले बार, और तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन नॉर्मली इट इज अवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल एयर रजिस्ट्रेशन बाई वाइफ ऑफ डिसीज वाइफ एंड अप्लाइड फॉर रिफंड, बैंक अकाउंट नंबर पर्टेनिंग टू वाइफ NSDL स्टेटस show two times as ECS failed on account close, but respective आपने अगर वो करना कभी तो कहा था joint account होता था फिर तो close ना होता ना, एक तो ये था और दूसरा आपको लिख के देना पड़ेगा death certificate देंगे कि भाई ये death हो गई और मैच का legal है और मुझे ये refund दे दिए और उसको मिल जाएगा। Next question, if legal heirs are non-resident how to get affidavit signed for getting legal representative certificate? वो एफिडेविट वहां से भी मिल जाता है, उधर भी आप ले सकते हैं, वहां से एफिडेविट करा के इधर भेज दीजिए, फिर वहां से एफिडेविट मिलता है, वहां भी एफिडेविट देते हैं, वहां पर भी आपको वो देनी पड़ती है, पावर अटॉर्नी देते हैं तो वहीं से साइन कराने पड़ते हैं काउंसिल से। कैन नॉमिनी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम बैंक मे ऑल्सो बी अटैच इन प्लेस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट। क्या क्या दोबारा बोलिए, कैन नॉमिनी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम बैंक मे ऑल्सो बी अटैच, करेक्ट करेक्ट, कैन बी टेकन है, अगर वो नॉमिनी लीगल ईयर है तो डेफिनेशन में, अगर वो डेफिनेशन में लीगल ईयर आ ही नहीं रहा तो वो इंटरमेंडल वाला आ गया, इंटरमेंडल विद द स्टेट, मैंने बोला ना लीगल वो कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वन हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट और वन हु इंटरमेंडल्स विद द स्टेट ऑफ द स्टेट, तो इंटरमेंडल कर रहा है ना, अगर वो अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लीगल नहीं है यार तो वो आ जाएगा फिर।
नॉमिनी भी आ सकता है, नॉमिनी भी बन सकता है, वो इंटरमीडियट्स में आएगा अगर वो लीगल हेयर नहीं है। द एफिडेविट बाय लीगल हेयर हैव टू बी गिवन इंडिविजुअली और जॉइंटली इन फेवर ऑफ द रिपब्लिक। एक एफिडेविट में सभी लिख देते हैं, साइन कर दे, ये वो एक एफिडेविट बना देते हैं कि सब साइन कर दे, ये हमने इसको इसको अथॉरिटी दे दी है। आपको खुशी है अलग अलग देने की तो दे दो, खर्चा ही करना है दे दो, नोटरी वाला अपने आप बता देगा क्या क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नोटरी का काम ही यही है, वो यही बताता है आराम है करा दूंगा, जो फीस है वो तो देनी पड़ेगी, वो बात अलग है। सारा कुछ अपने आप मत करो, कुछ उनको भी कमाने दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल द डिडक्शन अंडर चैप्टर वुड बी द फुल ईयर और प्रोपोर्शनली अप टू द डेट, जितने देर तक उसका है उतना मिलेगा यार, क्या बात हो गई, उसको पूरा मिलना बाकी अलग है, उसकी रिटर्न दूसरी, वो तो लीगल ईयर की रिटर्न है या स्टेट की रिटर्न है। अप टू द डेट ऑफ डेथ जो भी उसने पेमेंट करी है, 80C की 80D सब मिलेगा। अरे पेमेंट बेसिस पे 80C है, कोई ड्यू बेसिस में थोड़ी 80C है, 80D भी तो पेमेंट बेसिस पे है। सर उनका क्वेश्चन है वो प्रोपोर्शनली मिलेगा या फुल ईयर का ही मिलेगा? नो प्रोपोर्शनली मिलेगा, ईयर एंड्स व्हेन द डेथ, व्हेन द डेट इज एंड, नो प्रोपोर्शनेट, ईयर एंड्स विद द डेथ ऑफ दैट पर्सन, उसके उसको वही बेनिफिट मिलना है, ईयर एंड विद द डेथ, अगली जो रिटर्न है आफ्टर द डेथ वो उसकी थोड़ी है, वो तो या तो लीगल ईयर की अपनी रिटर्न है या एग्जीक्यूटर की अपनी रिटर्न है, कोई मतलब नहीं है, वो डिफरेंट है दोनों, वो तो एग्जीक्यूटर की रिटर्न है, नॉट ऑफ द डिजीज। मिलेगा पूरा मिलेगा, जो जो बेनिफिट मिलना है सब मिलेगा, 87A का बेनिफिट भी मिलेगा, 5 लाख से कम है तो पूरा रिबेट भी मिलेगी 87A की, सब मिलेगा। ये भी क्वेश्चन हो गया, वन ऑफ द लीगल ये भी क्वेश्चन हो गया। इफ दिस बिलो इफ डिसीज इनकम इज बिलो टैक्सेबल इनकम इज आईटीआर ऑफ डिसीज टू बी फाइल्ड, क्यों भरने की जरूरत है? रिटर्न तो तभी भरनी है जब टैक्सेबल इनकम हो, नहीं तो भरनी नहीं है। बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 80C टू 80U टैक्सेबल इनकम है तो भरनी है, नहीं तो नहीं। इन केस बैंक इज नॉट इन्फॉर्मड एंड बैंक कंटिन्यू टू डेट द टीडीएस इन द नेम ऑफ डिसीज, हाउ रिप्रेजेंटेटिव असेसी कैन, तो बता दिया, तो बता दिया ना वो तरीका, आपको बताया कि आजकल वो अलाउड है वो लेना, लेकिन आपको बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए, नहीं तो फिर वो मुश्किल, वो नहीं तो आपको मैंने बताया था, वो रिटर्न में डाला, खेमका जी ने बताया था आपको, मेरे को याद कराया, खेमका जी ने तो कराया था याद। जी 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 जी। कैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिवाइज द रिटर्न ऑफ अर्लियर ईयर, व्हाट द असेसी वाज अलाउड। अरे मेरे भाई जो वो कर सकता था ये भी कर सकता, रिटर्न रिवाइज हो ही नहीं सकती एक साल के बाद, अब तो पीरियड ही खत्म हो गए, यू कांट रिवाइज रिटर्न बियॉन्ड द, और अब तो 9 महीने ही रह गए आगे सालों से, 31 मार्च तक रिवाइज है तो कर सकता था वो, व्हाटएवर प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट देन व्हाट वुड हैव बीन लायबल, कर सकता है वो, परमिशन मिलती है। अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है ना सर 31 मई वाली सर, हां उसकी बात कर रहे होंगे क्योंकि उसमें भी वो प्रोसीजर लगेंगे ना लीगल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो रिकॉर्ड तो करेगा ना अपना उसका नाम। जी 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 सर, कैन द आईटीआर ऑफ डिसीज फाइल्ड बाय फेक साइन और आईटीआर 5 और आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग रूट इवन नाउ और इट इज कंपलसरी टू फॉलो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीजर। सर ये 159 सेक्शन और उसके बाद आपको रिटर्न भरने के लिए जब उन्होंने कह दिया कि यू हैव टू फाइल, ये मेरा वाला पॉइंट कर जा रहे, घुघी मारी और आईटीआर भी दे दिया, ये मैं नहीं, मैं ये तुक्का मत मारो, मैं बता रहा हूँ लीगली तो आपकी ड्यूटी है लीगल ईयर की, यू स्टेप इन टू शू, यू हैव टू फाइल द रिटर्न, वट एवर प्रोसीडिंग कुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट यू आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, यू आर ए डीम्ड असेसी, यू आर ए डीम्ड असेसी ऑन बिहाफ ऑफ द लीगल, तो डीम्ड असेसी बना लिए गए तो फिर आपको करना चाहिए ना, अब वो हाथ ही निकल जाते हैं आपको पता है ना, मेरे भी निकल गया है, मैं क्या बोलूं वो सर पुराने सिस्टम ही सब निकल गए, फोन नहीं निकल रहे, फोन नहीं निकलेगा। Next question: If one of the legal heir has been described as responsible for income tax duties, can he be taken as legal representative on the basis of the will without going through other formalities? मैंने समझा सर। छोड़ दे पढ़े दोबारा सर। पढ़ो दोबारा, मैं समझा नहीं ना। अच्छा। If one of the legal heir has been described as responsible for income tax duties. Can he be taken as legal representative on the basis of will without going through other? Who takes? आपको department थोड़ी लेगा, आपने inform करना है, आपने जो उसका certificate लेना है और उसके बाद उसको आपको उसकी line में जाना है, तो वो कैसे ले लेंगे? वो तो responsibility ये है, अगर उसपे will में लिख दिया है, तो वो तो he can recover from the state of the whatever taxes payable.
वो तो रिकवर कर सकते 162 सेक्शन में, तो उसमें क्या फर्क पड़ा, लेकिन आप पहले अपने आप को रजिस्टर कराएं और वहां से रिकवर कर लें। सर जनरली इन केस ऑफ डिपॉजिट विद बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन द इंफॉर्मेशन गोज लेट बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन दैट केस द टीडीएस इज डिडक्टेड इन द नेम ऑफ डिसीज्ड। अरे हो गया ना ये तो बार बार, खेमचा जी कितनी बार बताएंगे, ये भी हो गया। Will the notice of the debt is valid? Will the notice after the debt of the assessee is valid? ये भी बता दिया बहुत बार, आंसर दे दिया। Next question: Death occurred on 23 April 2021. Bank FDR maturing on 10 June 2021. Interest receiving up to the date of April तक की return उसकी जानी है, आपने इधर जानी है, और interest को अगर आपने bifurcate करना है तो वो लोग मैंने बताया ना हम क्या करते थे कि भैया अगर डेथ हो गई है तो आपने एक में दिखा दी और टीडीएस एक में क्रेडिट ले लिया तो क्या हो जाएगा, नहीं तो यहाँ ले लो जो रिटर्न में। ये प्रैक्टिकल चीजें भी कुछ होती है, लाल लाल थोड़ी लिख के देगा कि इस तरह करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डेथ ऑफ असेसी शेयर्स आर सोल्ड थ्रू हिज डीमैट अकाउंट बाय हिज चिल्ड्रन टू टेक मनी टू डिस्चार्ज हॉस्पिटल बिल, what about taxability of capital gain arise on such sale or legal heir equivalent sale made after this sale made after the death? yes sir, wo to phir legal representative ko share mil gaye uske, wo to usne karaya nahi hai to wahi owner uska, after the death mein kaun ho gaya, agar intestate death hai to wo owner ban gaye, it has vested with them, they will be responsible to pay capital gain on that, they will be responsible jo after the death wale, up to the date of death alag hai, after the date of death तो उसका आ गया तो वो करेगा। ठीक बात सर, अगर उसी डीमैट अकाउंट को भेज देते ने ओदे वाले है तो ओदे भी चीज ले लेते जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ओदे डिसीज से डीमैट अकाउंट ही इमीडिएटली भेज देते ने, अगर वो बंद नहीं होया, नहीं बेचने के बाद भी टैक्स तो आपको लगना है आफ्टर द डेथ, वो नहीं लेगा पिछले उसकी इनकम तो डेट ऑफ डेथ तक है बस, ठीक है आपका अकाउंट खुला हुआ है आपने भेज दिए तो वो आपको अपना नाम लगवाना चाहिए, मान नॉमिनी होता है डीमैट में भी नॉमिनी होता है या डीमैट में भी आपने डाला होता है कौन होगा, और डीमैट भी कई बार ज्वाइंट होते हैं। वैसे वो गलत तरीका है, आपके डेथ के बाद आप उसके बिहाफ पे आप बेच नहीं सकते उसके अकाउंट में, पहले नॉमिनी उसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे फिर बेच नहीं सकते, मैं भी मानता हूँ लेकिन बेच तो रहे हैं, लेकिन बाकी टैक्सेबिलिटी तो डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव की है। हाँ, वो लीगल डेट ऑफ डेथ सर बताते नहीं है, कई चीजें हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, अरे डेथ हो गई थी ध्यान रहा डीमैट में पड़ा है, वो कहते हैं यार उसको करूंगा वो पता नहीं नाम, पहले तो डीमैट में आपको नॉमिनी का नाम देना पड़ता है, नॉमिनी होता है ना उसमें, कई बार नॉमिनी होता ही नहीं सर, डीमैट ज्वाइन भी होता है कई बार, नॉमिनी नहीं होता इसलिए भेज देते हैं लोग, बस कई बार जो नहीं होता इसलिए। अब ये हेरा फेरी वाली बातें यहाँ क्यों पूछ रहे हो मेरे से सर? सर इज देयर एनी डिफरेंस टू हैव जॉइंट अकाउंट एंड मैंडेट होल्डर? ये क्या है मैंडेट होल्डर, क्या ये क्या है मुझे भी समझा दो। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं नेक्स्ट चलता हूँ सर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द नोटिस रिसीव्ड अंडर सेक्शन 148 फॉर अर्लियर ईयर इन द नेम ऑफ डिसीज आफ्टर रिटर्न? बता दिया ना आपको यार, इन्फॉर्म करो और उसके बाद नोटिस आपको इशू किया जाएगा, नहीं तो वो असेसमेंट कर देगा उसके ऊपर, तो वैलिड नहीं है, यू कांट मेक असेसमेंट ऑफ द डिसीज्ड। कैन, अच्छा वो सेम हो गया ये वाले भी, चलो सर। हाउ लॉन्ग इज जॉइंट अकाउंट कैन बी मेंटेन कंटिन्यूड आफ्टर द डिमाइज ऑफ फर्स्ट होल्डर? मैंने तो अभी तक चालू कर रखा है, मुझे नहीं पता। कैन बैंक ऑब्जेक्ट? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, और मैं उसकी इनकम दिखा रहा हूँ तो मुझे क्या कर लेंगे, आई एम शोइंग दिस इनकम इन माई रिटर्न, और वो जो थोड़ी बहुत इनकम आती है जो डिविडेंड की या कोई म्यूचुअल फंड की, अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए तो क्या करूं, जब तक ट्रांसफर नहीं हुए मैं अभी ले रहा हूँ, ट्रांसफर हो जाएंगे तो मेरे नाम पे पैसे आ जाएंगे, बात क्या हो, इनकम तो दिखा रहे हैं टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। If there is joint account with the spouse, whether to be declared in the ITR of both spouse and self? ये किसने कह दिया? First name वाले माने जाते हैं, जिसका first name होता है वो holder माना जाता है, ये तो law है, first name वो holder माना जाता है, second name वाला नहीं माना जाता, TDS भी first name के बाद कटता है, अगर आपका दो होल्डर है तो आपको बताना पड़ेगा बैंक को कि दो है और इतना इतना इसका काटो इतना मेरा काटो, हमारा 60-40 है 30-70 है, नहीं तो नंबर वन का कटेगा,
नहीं तो अंडरटेकिंग दीजिए बैंक को कि मेरा 70% है, इसका 30% है, तो बैंक फिर 70 और 30 के हिसाब से काटता है। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट नेम से काटा जाता है जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, वेदर आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड वाइफ इज ओनली नॉमिनी और बेनिफिशियरी। सर जॉइंट अकाउंट है ना, लॉ फिर वही कहता है तू जो जॉइंट अकाउंट होने में सिर्फ कन्वीनियंस सेक है, बाकी तो लॉ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लगता है, बात खत्म। या वो प्रूव कर दे वो उसके अपने पैसे थे तो बात अलग है, फिर तो हिंदू सेक्शन नहीं लगेगा। अगर वो पैसे उसके हस्बैंड के थे तो हिंदू सेक्शन 1956 लगेगा। अगर वो जॉइंट अकाउंट में प्रूव कर दे मेरे ही पैसे थे तो है, अगर उसके पैसे नहीं थे सिर्फ उसको जॉइंट अकाउंट में रखा था तो वो तो एक जैसे नॉमिनी वैसे जॉइंट अकाउंट वाला है, वो तो ऑपरेशन के लिए है। कहता मुझे क्या लेना देना, वो तो लड़ेंगे अपने आप लड़ते रहेंगे, वो तो लीगली वो तो उसमें जाएगा सक्सेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी डोंट टेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द पर्सन डिसीज, इज देयर एनी वे डिपार्टमेंट कैन कम टू नो दैट पर्सन हैज डाइड, देयर आर एफडीआर इन द नेम ऑफ फादर हु डाइड 2 इयर्स अगो, नो नॉमिनी रजिस्टर्ड, नो रजिस्टर्ड बिल, बैंक डिडक्शन टीडीएस ऑन एफडीआर, कैन द रिटर्न स्टिल बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ फादर। सवाल एक चीज तो भूल जाओ, डेथ के बाद कोई भी फादर की रिटर्न नहीं जाता बस, और वो जो डेथ तक जाती है वो डिजीज की जाती है बाय लीगल, वहां लिखना पड़ता है डिजीज, उसका पैन नंबर डालना आधार करना है। डेथ के बाद कोई इनकम टैक्स नहीं लग सकता, जो मरे हुए का टैक्स कैसे लगा लेंगे, मरने के बाद उसकी इनकम कहां से हो गई, वो तो लीगल एयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए नोटिस अंडर सेक्शन 263 बी इशू टू द डिसीज असेसी, ऑल प्रोसीडिंग विच हैड बीन टेकन अगेंस्ट द लीगली अगेंस्ट द डिजीज कैन बी टेकन अगेंस्ट द वो हो गया एंड व्हिच कुड हैव बीन टेकन कैन बी टेकन अगेंस्ट द, ये तो लॉ में बता दिया यार, सेक्शन 159 सबसेक्शन 2 पढ़ो ना, सेक्शन 159 सबसेक्शन 2, व्हाट शुड बी डन इन केस फ्यू ऑफ द लीगल हेयर्स आर एनआरआई हु डोंट हैव पैन एंड आधार। करा दिया आगे चलो, अब एजेंट ऑफ एन रेजिडेंट ले लो, आजकल पैन लेना जरूरी, एजेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट वो रिटर्न भर रहे थे या नहीं भर रहे थे वो। कैन लॉस अंडर कैपिटल गेन हैड बी एडजस्टेड एंड कैरीड फॉरवर्ड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तेरा बिजनेस के बारे में कहा, ओनली बिजनेस लॉ, सक्सीडेड बिजनेस वाला है बस। नेक्स्ट वन, देयर आर टू बिल्स मेड बाय डिसीज, इन वन विल डिसीज हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द असेट्स टू लीगल हेयर एंड इन अदर विल वन असेट्स हैज बीन स्पेसिफिकली गिवन। यार मेरा काम थोड़ी है इनकम टैक्स में यार, ये कोर्ट में जाइए वो देखेगा, इनकम टैक्स वाला क्या करेगा इस चीज को, वो तो लास्ट विल सरवाइव करती है, चैलेंज कर देते ना, ये विल है ही नहीं, ये बोगस विल है, फेक है, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम थोड़ी है, ये तो उसका डिपार्टमेंट कोर्ट में जाइए। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू ऑब्टेन प्रोबेट और विल और गेट रजिस्टर्ड। एक दिल्ली में कोई लॉ नहीं है, प्रोबेट देने का लॉ सिर्फ महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और उसमें है चेन्नई में, तमिलनाडु में, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन डिस्प्यूट होगा तो प्रोबेट लेनी ही पड़ेगी और उसके ऊपर 4% आपको वो भी देना पड़ेगा, अगर डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट नहीं है तो प्रोबेट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो या तो वो ले जाओ और वो करा लो अपने नाम, या सब लिख के देके सक्सेशन एक सर्टिफिकेट ले लो, सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से और जाके अपने नाम करा लो, कोई नहीं है यहाँ प्रोबेट का लॉ, प्रोबेट तो तब होती है जब डिस्प्यूट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटर हैज राइट टू क्लेम रेमुनरेशन फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट पेड एंड रन बिजनेस ऑफ डिसीज। ऐसा सुना नहीं सर कि एग्जीक्यूटर हैज राइट टू क्लेम, ऐसा कोई राइट नहीं है, अगर वो देना चाहिए, ये कौन सा लॉ होगा, मैंने नहीं सुना कि एग्जीक्यूटर आर लायबल टू कैन टेक द पेनल्टी, नहीं ऐसा नहीं, ये कोई वो वाला ऐसा कुछ नहीं सर। कभी कभी विल में भी लिख देते हैं सर, वो लिख दे तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो उसका हो गया शेर यार, विल मींस मेरी विश और जो मैंने विश किया हो गया, वो तो बन गया, वो भी लेगेसी बन गया, विश में वो लेगेसी बन गया फिर, यस वो अलग चीज है विल में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, If only one executor who dies before completing execution, who will file ITR for remaining? Court appoint कर देता है executor. Next question, can we plan the bill for tax planning purpose making executor? ये छोड़ दो question. In case of section 168, executor will file return of decision capacity as legal representative. ये भी हो गया. वो अपने बिहाफ पे करता है एज इंडिविजुअल, उसका पैन नंबर है उसके पास एग्जीक्यूटर का, वो इंडिविजुअल कर रहा है प्रोफाइल, बट सेपरेट रिटर्न फॉर हिम, अपनी रिटर्न सेपरेट रिटर्न एज एग्जीक्यूटर, सेपरेट रिटर्न है एज इंडिविजुअल,
जी इफ एनी इनकम ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड विल बी कंटिन्यूड बाय द लीगल हेयर मे बी असेस्ड एज एचयूएफ इनकम। देखिए एचयूएफ कभी नहीं मरती, एचयूएफ कंटिन्यू रहती है, कर्ता बदलता है। ये इंडिविजुअल की डेथ की बात हो रही है। एचयूएफ का क्या मतलब है? एचयूएफ में तो कर्ता चला गया तो दूसरा कर्ता आ जाएगा। किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। कर्ता इज डेड, लॉन्ग लिव द कर्ता। वो दूसरा कर्ता बन जाएगा, नहीं बनेगा तभी तो पार्टीशन हो जाएगा, सारा डिसॉल्व हो जाएगी एचयूएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर शेयर्स इन द नेम ऑफ द डिसीज्ड दे आर येट टू बी डिवाइडेड अमंग द लीगल हेयर डिविडेंड आर रिसीव्ड आफ्टर, ये हो गया वो एग्जीक्यूटर वाला बात आ गया ना यार। Will executor have to apply for a new pen in capacity as executor to file yes. उसको रजिस्टर करा के पेन लेना एग्जीक्यूटर as executor. अपना उसका अलग है as individual. ये as executor लेगा पेन। इसके लिए पेन एग्जीक्यूटर का लिया जाता है। उसमें तो उस केस में डिफरेंट है। उस केस में तो पेन डिजीज का भी है और आपका भी है। आप उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। यहाँ पर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आफ्टर द डेथ। वो खुद अपने इंडिविजुअल का एग्जीक्यूटर का पैन लेकर वो भरता है। उसमें वो नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। वो एग्जीक्यूटर इज अ सेपरेट इंडिविजुअल पर्सन टू टेक अ पैन एंड फाइल रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर काइंडली डिलीवरेट एज टू व्हाट डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इन रेस्पेक्ट ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ द डिसीज व्हाई द ओनली सन ऑफ द डिसीज वेयर देयर इज नो विल। क्या हुआ अगर आपकी विल नहीं है तो जो भी एसेट्स हैं वो इक्वली बटनी है अमंग सर लीगल हेयर। जब तक लीगल हेयर रेलिंक्विश ना कर दे आप इक्वली बांटेंगे इन इक्वल रेशियो। और मैंने बता दिया लीगल हेयर ऑफ क्लास वन, लीगल हेयर ऑफ क्लास टू, वो अलग बात है। आप छुप करके माँ को दे देते हो या एक को दे देते हो, वो आपकी मर्जी है, वो रेलिंक्विशमेंट है। अदरवाइज तो आप सबका हक है इक्वल रेशियो में। मैं कई बार बता चुका हूँ सक्सेशन में, हिंदू सेक्शन नेट के अंदर, लीगल हेयर ऑफ क्लास वन, क्लास वन नहीं है तो क्लास टू, वो सब बता चुका हूँ। Caution, person die who is working in electricity department and wife file case for arrears etc. and received on provisional basis gratuity and salary arrears in previous year and balance in current year, then we can claim 89 relief and gratuity exemption in our return. Sir, ऐसा है, 89 का relief जब मिलता है तो return जो उसकी return है वो उस date तक का मिलता है, उसके बाद तो वो return जा ही नहीं सकता। अगर आपको ग्रेचुटी बाद में मिली है तो रिटर्न जा ही नहीं सकती। वो पुराने सालों का एरियर है तो पुराने सालों का एरियर में करंट ईयर में उसकी इनकम कैसे रिटर्न भरेंगे? ही हैज नो इनकम इन द करंट ईयर। अब तो मर चुका है तो अब तो ये पैसा इसको मिलना है, लीगल ईयर। लीगल ईयर को पैसा मिलेगा, उसको कैसे मिलेगा? पैसा तो लीगल ईयर को मिलेगा, उसका अकाउंट ही नहीं है। अब तो लीगल ईयर लिख के देंगे कि आप हमें पैसा जो एरियर मिला वो हमें दो, और वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसी रिसीव द नोटिस फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वेयर वी सबमिट दैट असेसी हैज ऑलरेडी डाइड, डेथ सर्टिफिकेट वाज आल्सो सबमिटेड बट एओ लेटर इशूड नोटिस इन फेवर ऑफ असेसी। क्यों नहीं कर सकता? प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द लीगल कैन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेकन अगेंस्ट द लीगल। वो तो मैंने बता दिया है 159 में, ये लिखा तो हुआ है। नहीं, बोलो 159 सबसेक्शन 2 पढ़े। नहीं सर, इसमें व्हाट हैव बीन टेकन can be taken against the legal heir, ये तो law लिखा है। नहीं सर, इनका question up to the date of death तक का है। सर इनका question ये है कि investigation department से notice आया, इन्होंने उनका death certificate लगा दिया, लेकिन फिर भी assessing officer ने notice assessing death person के नाम issue किया। ठीक, तो death के बाद किया, death के against किया? Yes. नहीं, फिर death के against नहीं कर सकता, फिर तो legal heir क्या करेगा? गलत है, फिर तो गलत है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, गलत है। क्वेश्चन सर, द क्वेश्चन इज डिसीज्ड फ्रेंड्स वांट टू हेल्प डिसीज्ड स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन विद फंड्स फॉर मीटिंग देयर हाउसहोल्ड एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस, देन द फंड रिसीव्ड बाय पर्सन विल हैव टू पे टैक्स इन सच केस इफ अमाउंट इज मोर देन 50,000। दोबारा बोलिए, मैंने समझा। The question is not directly related to disease who died to COVID, but somehow related also. The question is disease. अगर आपको पैसा मिला है तो मिलने वाले का 50,000 से ज्यादा without consideration है तो वो taxable। अरे आजकल क्या हो रहा है COVID में, लोगों ने ले लिया पैसा donation और खर्च करने जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मैंने फिर बोला, मैं नाम नहीं लूंगा, कि पहले अपनी को सोसाइटी को रजिस्टर्ड वो करके अप्लाई कर दो रजिस्ट्रेशन का,
चलिए तो चैरिटी नहीं मानी, आज चैरिटी लग रही है, जब आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी 56-210 में फिर मैं पूछूंगा क्या, ये मेरी तो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, मैं तो क्या हुआ रजिस्टर्ड सोसाइटी है तो क्या हुआ, टैक्स लगेगा 56-210 में, या तो आप इसको रजिस्टर कराओ या चैरिटेबल। ये केसेस बहुत आएंगे सर, अभी सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं विदाउट रजिस्टर। नहीं मैंने करवा दिया, किसी ने बहुत करा था, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ मेरे को मालूम है सर, मेरे को मालूम है, आई नो इट। हाँ वो अप्लाई कर दिया है। हाँ हाउ टू सरेंडर पेन ऑफ डिसीज पर्सन, कर देना जल्दी, क्या है कर देना, जब मर्जी सरेंडर कर देना। वो इसमें कैसे सरेंडर होता है मुझे नहीं पता, वो होता होगा सिस्टम है कोई। इन ए सीए फर्म हैविंग टू पार्टनर्स इन व्हिच वन इज डाइड ऑन 3 मई 2021, नाउ टीडीएस प्रोविजन ऑन ऑडिट फीस विल बी मेड इन द नेम ऑफ फर्म और अदर पार्टनर हु नाउ बिकम्स प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म। जब प्रोप्राइटर हो गया तो आपको इन्फॉर्म करना है और प्रोप्राइटरशिप में आएगा, आफ्टर द डेट ऑफ डेथ वो हो गया, आफ्टर द डेट ऑफ प्रोप्राइटर बन गया तो प्रोप्राइटर में आएगा, अगर तो फर्म में कोई और पार्टनर होता तो फिर कंटिन्यू करती रहता, फिर कोई दिक्कत नहीं। वो तो प्रोप्राइटर ही आएगा। नेक्स्ट, कैन एचयूएफ गिफ्ट ज्वेलरी परचेज इन द नेम ऑफ एचयूएफ टू को-पार्टनर्स बाय ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। जी नहीं, जी नहीं, गिफ्ट नहीं दे सकता एचयूएफ। हाँ खर्चा कर सकता, गिफ्ट नहीं दे सकता। ये मैं वो भी बता रहा हूँ अशोक गुप्ता जी को, बेटी की शादी करी है, आप खर्चा कर सकते हैं शादी का आफ्टर द इनकम ऑफ द एचयूएफ, but you can't make a gift of the asset to the daughter because she is a co-pastor like any other co-pastor. Next question, loan given to company by director who die can be transferred to legal heir. kya kya dobara boliye, loan jis aadmi ne diya director ne wo expire ho gaya to uska loan amount legal heir ke naam transfer kiya ja sakta hai, loan usne diya tha to asset hai na, ha तो लोन दिया एसेट है, वो उसको लिख के दे और वो उसको ट्रांसफर करेगा और लीगल एयर बन गया, वो तो एसेट है ना उसकी। जी जी, व्हाट इज द लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू सेक्शन 148 नोटिस पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 13-14 इन व्यू ऑफ न्यू प्रोविजन इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2021 कैन एओ इशू नोटिस। लिखा जो 31 मार्च 2021 तक के ऑर्डर दे सकता था वो अभी भी दे सकता है, आपने तो कर लिया अजय वधवा जी का, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने बोला, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे रियली नहीं पता। आपसे सुनना चाहते हैं सर क्या पोजीशन है। ना मैं नहीं बोलूंगा, वधवा जी ने वो भैया मैं डिस्प्यूट नहीं करता, और इनको इनका काम है लिटिगेशन करना, तो मैं नहीं बोलूंगा क्या है, मेरे हिसाब से तो नोटिस करेक्ट है, वैलिड है इवन आफ्टर इशू 31 मार्च 2021। यस, क्योंकि उनको पावर है उसको एक्सटेंड करने की। अब वो नहीं माने होंगे, मुझे नहीं पता, बाई गॉड मैंने नहीं सुना उनका, लेकिन मतलब मुझे पता है उन्होंने माने नहीं होंगे। आप बताइए क्या कहा उन्होंने, उन्होंने तो इनवैलिडिटी कहा सर। अब आप बताओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पागल है जो नोटिस दिया जा रहा है, ये लड़ते रहेंगे, लड़ते रहो जब तक हो, वो कहने की बातें अलग है सर। लिटिगेशन में तो कई बार टेक्निकल पॉइंट से आप जीत भी जाते हैं, लेकिन इतने बेवकूफ डिपार्टमेंट भी नहीं है कि नोटिस दिए जा रहा है और वो बॉड एवन इश्यू हो जाएंगे, मैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर एक्सपायर्ड लिविंग टू सन्स, नो फैमिली पार्टीशन टुक प्लेस बट रेंटल इनकम स्टिल इन द नेम ऑफ मदर, कैन इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ पार्टीशन, कौन सा एचयूएफ थी मदर का, कोई एचयूएफ थोड़ी है, मदर की पार्टी बच्चों को मिल गई, अरे वो क्या वेस्ट हो गई 50-50, आ जाके अपने नाम पे 50-50 करा लो, ये कोई एचयूएफ की प्रॉपर्टी थोड़ी है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिसीज इज मोर देन एसेट्स ऑफ द डिसीज, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द एसेट, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर माय मदर इन लॉ एक्सपायर्ड अक्टूबर 2020 बाय कोविड, किसी के मदर इन लॉ और किसी के फादर इन लॉ एक्सपायर बहुत है इस बार। हां सर बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम। चलिए 2020 बाय कोविड, मैम बच्चे बड़े हो गए सर, सॉरी, वी फाइंड हर असेसमेंट ईयर टू कोविड, यंगर मेल्स हैव बीन हिट मोर देन एनी अदर पॉलिसी। सर ये तो किसी का नहीं पता, ये ऊपर वाले का पता नहीं क्या कह रहे, किसी को भी ले जाए, छोटा हो बड़ा हो, उम्र है या नहीं है, मैं तो रोज देख रहा हूँ। अब ये कहना कि यार ये ऊपर वाले की मर्जी है, मैं तो ऊपर वाले को मानता हूँ, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक सेकंड का भरोसा नहीं होता, एक सेकंड का भरोसा नहीं है, तो पहले भी तो होता था, एक सेकंड का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है सर, बहुत फैमिलीज में क्या आज त्रासदी चल रही है उसमें बिलीव करो, और आपके पास है भी क्या, आप हेल्पलेस हो, उसने अगर लिखा है मेरी जिंदगी तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे डॉक्टर हो या ना हो, और नहीं हो लिखा तो जितना मर्जी इलाज कर लो, हमारा काम है फर्ज करना, कर्म करते जाओ, बाकी अगर अगर हमारी किस्मत में बचना होगा तो बच जाऊंगा, नहीं बचना होगा तो भैया मैं क्या कर सकता हूँ, लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं और वहां जाके डेथ हो जाती है, तो मैं क्या करूं, ये ऊपर वाले की क्या करिश्मा है,
कोई कुछ नहीं कह सकता। राधे राधे बोलो और काम करते रहो बस। फैमिलीज में है सर इस टाइम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इनका क्वेश्चन है एसएससी हैज एक्सपायर्ड, दे इनफॉर्म द बैंक एंड बट बैंक इज बीइंग कंटिन्यूड टू डिडक्ट द टीडीएस इन द नेम ऑफ द डिसीज। ये तो कर ही नहीं सकता, बैंक की गलती है, उसका कॉल कॉल के रिटर्न वो रिवाइज करे टीडीएस की। जब आपने इन्फॉर्म कर दिया आपके पास प्रूफ है, टेल हिम टू रिवाइज द रिटर्न एंड यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द बैंक। नोटिस दो उसको कि कैसे कर सकते हैं व्हेन वी हैव टोल्ड देम टोल्ड यू। Further clarify your refund case to legal heir. Return filed through e-filing with due process where death certificate already submitted and signed by legal heir capacity. Is it matter of CPC automation issue? Is it? It is matter of CPC automation issue. CPC करेगा इसको। हाँ जो भी करेगा ये मुझे नहीं पता, आप तो अपने अकाउंट में डाल के कर दो अपने आप, आपको रिक्वेस्ट जो आपकी गई उसको आपको रिव्यू कर लेना रिक्वेस्ट, और व्यू रिक्वेस्ट में आ जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हो गई है तो बात खत्म हो गया और लीगल एयर बन गए। 15 दिन लग जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ सबको, रिटर्न का टाइम आ जाएगा जुलाई अगर एक्सटेंड ना हुई तो। अभी से भगवान ना करे जो हो गई है डेथ तो अप्लाई कर दीजिए एज ए लीगल एयर ऑनलाइन, वो कर दीजिए, 15 दिन लगा देंगे वो आपको रिव्यू करते हुए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बिल सेज दैट LIC ऑफ माई चिल्ड्रन विल बी पेड फ्रॉम माई स्टेट, विल एग्जीक्यूटर गेट द बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C? सर क्या बातें कर रहे हो, क्या कह रहे हो कि 80C की वो रिटर्न भर रहा है अपने नाम की, वो लीगल अप टू द डेट ऑफ डेथ तो मिलता है, अप टू द डेट ऑफ डेथ के बाद नहीं मिलता, फिर तो रिटर्न वो है, फिर 80C वो अप टू द डेट ऑफ डेथ के बाद क्यों मिलेगा? हाउ टू ऑब्टेन द पैन नंबर ऑफ डिसीज द रिक्वायर्ड, अरे भाई क्वेश्चन रिपीट रिपीट रिपीट, एनी सम ड्यू टू एनी डिसीज बिल नॉट पेड एज इज नॉट लायबल टू सेटल द लायबिलिटीज, व्हाट विल द डिपार्टमेंट मूव अल्टीमेटली? मैं समझा नहीं सर। एनी सम ड्यू टू एनी डिसीज विल नॉट पेड एज इज नॉट एबल टू सेटल द लायबिलिटीज, व्हाट विल द डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ने तो भैया रिकवरी कर लेनी है टू द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज फ्रॉम एनी ऑफ द लीगल एनीवन से रिकवर कर लेगा, और वो रिकवरी अगर हो सकती है और उसकी वैल्यू है, पहला राइट उसका है, बाकी का वो देखा जाएगा, वो केस में लड़ते रहो तुम, वो तो बातें अलग है, डिपार्टमेंट को टैक्स चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर, how to inform the dissolution of the firm where the deceased was partnered with only one more partner, how to proceed with the business by surviving partner? inform kya karna hai, aapki firm band ho gayi, aapka apne individual aa gaya, aur aapko kisko inform karna hai, kis cheez ke liye inform karna hai, date of death tak return bhar dena, date of death ke baad firm hai hi nahi, fir to individual ki return jani, date of death tak firm hai uske baad to individual ki return jani hai, to kis cheez ka inform karna hai? वो तो पर्सनलाइज होता है, तो बट रिफंड वाज नॉट केम ड्यू टू बैंक एज क्लोज ऑफ डिसीज्ड पर्सन बट अकाउंट नंबर इज मेंशन्ड ऑफ लीगल ईयर। ये दोबारा बोलिए, अकाउंट नंबर लीगल ईयर का दे दिया किसके नाम पे? इन्होंने डिसीज की फाइल करी रिटर्न एज ए लीगल ईयर और अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दिया, क्योंकि देना था तो बंद हो चुका है, अब तो रिक्वायर्ड है तो, लेकिन रिफंड नहीं आया अभी तक। ये उधर कईयों का रिफंड नहीं आया तो आ जाएगा, चिंता क्यों करते हो? आ जाएगा इसकी तो खास बात। सर मैं जरा क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ, रिपीटेड है, व्हाट अबाउट एडवांस, what about advance tax not deposited by representative assessee on account of income generated on assets of deceased, penalty lagegi? sir ek cheez main bataun, usme interest lagta hai, penalty nahi lagti advance tax, interest lagega, interest se lagega hi, on the basis of the estate of any deceased whether legal heir may create his HUF? no, HUF maine bataya kaise create hoti hai, either by will or by gift, that's all. tax liability rupees 5 crore not possible to 20% pay at the time of appeal, how to take stay of demand in case of high pitch addition? yes sir, ye to wo law hai jo procedure hai, AO ke paas jayenge karenge wo mana kar dega to ab aage jayenge, ye to procedure hai, unhone to 20% bol rakha, baki to wo ye discretion hai, kai bar to kuch bhi nahi mangte wo, अगर आपका केस आपका स्ट्रॉन्ग है तो कई बार वो मान भी जाते हैं, बाकी कोई अगर शो कर दोगे तो शायद मिल, जी
कोई बहुत रीजनेबल कॉज अगर आप प्रूव करते हो तो आप जी जी। तो कोई नहीं करता, नहीं तो मांगते नहीं हो 20% का दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रेक्टिफाई द ऑर्डर पास्ड इन द फेसलेस असेसमेंट, ऑर्डर इज पास्ड विदाउट क्रेडिट ऑफ टीडीएस। तो जाइए ना 154 में, अभी तक फेसलेस नहीं हुआ 154। ज्यूरिडिक्शनल एओ के पास जाएंगे वहां पर हो जाएगा, ज्यूरिडिक्शनल एओ ठीक है। अभी तक फेसलेस नहीं हुआ, सेक्शन आ चुका है 157, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। जब वो नोटिफाई हो जाएगा तो वो भी फेसलेस हो जाएगा, अभी तक फेसलेस नहीं है। जाइए ज्यूरिडिक्शनल एओ पे, फाइल उसके पास आने दीजिए, जब उसके पास फाइल आएगी वो 154 कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इन केस ऑफ एचयूएफ ऑल द प्रॉपर्टीज एसेट्स कैन बी गिवन टू सिंगल पर्सन ऑन डिसोल्यूशन इन केस। यस, इफ दे ऑल ऑफ देम डिसाइड, सो डिसाइड, सारे लिख के दे दे तो यू कैन गिव टू एनीवन। लास्ट क्वेश्चन, नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 133(6), बट सडनली पर्सन डाइड ड्यू टू कोविड, देन LR will be responsible for reply or any penalty for not replying? ना ना ना, आप notice क्या, आप तो ये reply कर दो, उसकी death हो गई, या नहीं कर दो तब क्या होगा, फिर दोबारा आएगा notice तब reply कर देना, लेकिन कर देना चाहिए, reply कर दीजिए कि वो note death हो गई। Next question, whether estate inherited from the parents can be considered as HUF assets? No, मैं ना करा sir, possible ही नहीं है। ये करते रहे, ये कई सालों से यही करते रहे, सभी करते रहे, हम भी पहले करते थे जब तक हमें पता नहीं था कि एचयूएफ बना देते। सर अगर विल में लिखा हो तो हो सकता है ना सर? है जी, अगर पेरेंट्स की विल में लिखा हो तो हो सकता है सर। कमाल है, मैंने अभी थोड़ी देर तो पहले बताया, एचयूएफ इज क्रिएटेड आइदर बाय विल और बाय गिफ्ट, वो तो बता दिया मैंने, अब बार बार थोड़ी रिपीट करूंगा, क्रिएटेड बाय विल और बाय, वो तो हो गया, गिफ्ट नहीं है तो नहीं होगा, बिल्कुल विल है तो फिर क्या दिक्कत है, विल है तो खत्म हो गई बात। How to get rectification done where PF withdrawal treated as income by CPC? How to get rectification done where PF withdrawal treated as income by CPC? PF withdrawal अगर income है तो 5 साल से पहले तो income होती है? नहीं income? नहीं 5 साल के बाद है, then है। वो कैसे कर देगा ये? अब CPC ने कर लिया, उसको treat कर लिया, income tax लगा दिया। उसको कहाँ से पता लग गया कि आपको पैसे मिले हैं? आपको नोट आपको भेजा होगा, अरे उसको कैसे पता लगेगा आपको पैसे मिले हैं भाई? या तो आपको भेजा होगा कि आपको ये इतने पैसे मिले हैं, मुझे प्रैक्टिकल बताओ ना क्या मतलब है। सीपीसी को तो इन्फॉर्मेशन आई होगी ना, नहीं तो कहाँ लिखा आपने, या फिर एग्जाम्प्ट में लिखा आपने सेक्शन 10 में? सर वो सॉरी सर इंटरप्ट, आरपीएफसी वाले पेमेंट करके टीडीएस कार्ड के पेमेंट देते हैं, दैट बाय डिफॉल्ट 26 में आती है। सर वो 5 साल से पहले, 5 साल से कम वाला है सर, 5 साल के बाद की बात कर रहा है। हाँ वो टीडीएस डिडक्ट कर लिया ना उन्होंने सर, उससे उनको पता लग गया। 5 साल से पहले वाला है, फिर तो बात 5 साल से, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, फिर तो टैक्सेबल है यार, दो चीजें मिक्स करते हैं, टीडीएस कटा तो टैक्सेबल है, टीडीएस नहीं कटा तो भाई 5 साल के बाद कोई टीडीएस नहीं कटता है, 5 साल से पहले टीडीएस कटता है। इनका कहना है कि 5 साल के बाद ही उन्होंने टीडीएस काटा है। अरे नहीं भैया, 5 साल के बाद पैसे लिए होंगे, डेथ तो कंट्रीब्यूशन 5 साल से कम होगा, कंट्रीब्यूशन 5 साल से कम होगा, पैसे आपने 5 साल के बाद लिए होंगे, वो कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने निकाला नहीं, इसका मतलब थोड़ी है कि वो टैक्सेबल नहीं। सर उनका कहना है, दोबारा आया क्वेश्चन कि आफ्टर कंप्लीटिंग 15 इयर्स। यार फिर टीडीएस कैसे कटेगा? अरे कैसे इन्होंने बताया, किसको था ये तो बता दें, ये कैसे पता लगा सीपीसी को? एग्जाम्पल में डाला है, इसका मतलब गलत काट दिया उन्होंने। अरे गलत कैसे काट दिया, मुझे समझ नहीं, टीडीएस तो काट नहीं सकता, बैंक क्या बातें कर रही है, 5 साल से कम वाले का कटता वैसे कट ही नहीं सकता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रीमियम ऑफ मेडिकल क्लेम पॉलिसी हैज बीन पेड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉर द ईयर 21-22 एंड 22-23 व्हेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कैन बी क्लेम। प्रोपोर्शनेट होता है, 21-22 का मिलेगा, बाकी आपको 22-23 का मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको, वो तो लॉ है, आ चुका ये। उन्होंने फिर लिखा है वो पीएफ वालों ने कि वी फाइल आईटीआर एज टीडीएस वाज डिडक्टेड ऑन पीएफ and it was appearing 26 years, तभी उन्होंने उसको एडिशन कर दिया। और उनको कहिए मेरा नंबर दे के मुझे समझा दे, मेरा नंबर दे देना, मेरे सब समझ ले, मैंने ही समझा दे। ये जो लिख रहे हैं बार बार, ये इफ एंड बट लिख के नहीं काम चलता, ऑन द लाइन बात करेंगे 1-to-1 तो समझ में आता है क्या क्या, क्या चाहते हैं उनको। कहना मेरे सब आपका सर, उनके पास आपका नंबर है, थैंक्स बोल रहे हैं। मेरा नंबर नहीं है, मुन्नी बदनाम है, सबको पता है मेरा नंबर, यहाँ मुन्नी का नाम किसको नहीं, नंबर किसको नहीं पता यार, छोड़ो यार। सर एक पांच सर मैं वैसे एंड कर रहा हूँ,
159 का आंसर आपने दिए क्वेश्चंस के, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर 5 मिनट ओनली 5 मिनट 148 पे और लगा दो सर, कि जो नोटिस इशू हो ना मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, आपने मुझे कहा था मैं नहीं, अब आप भदवा जी का जो सुना वो देख लो, मैं नहीं सर उसमें ये डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई फालतू चीज बोलूंगा नहीं, क्योंकि लीगली करेक्ट है ये मैं आपको बता दूं, इतने बेवकूफ नहीं है कि सारे नोटिस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है, उनके पास पावर थी, वो कौन सा एक्ट है टैक्सेशन अदर लॉ रिलैक्सेशन और सर्टन प्रोविजन एक्ट में उन्होंने पावर ले रखी है और उस पावर की वजह से बढ़ाया है, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलू, आई विल नॉट स्पीक, मैंने इसलिए 148 जो भी पूछता है ये नोटिस वैलिड है, मैंने मुझे नहीं पता, मैं इतने मेरी अकल नहीं है इतनी, बस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई रिक्वेस्ट हेमंत पावा जी फॉर ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स, इससे पहले कि रॉय चौधरी साहब भी हैं हमारे यहाँ, आई वेलकम, और यतेंद्र खेमका जी भी हैं, अशोक गुप्ता जी आल्सो वेलकम सर, राजेश जैन सर ने तो अपनी प्रेजेंट वैसे लगवा ली जब बोला था तो लग गई थी सर, ओवर टू हेमंत पावा जी, राजेश जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू थैंक अवर गुरु जी हु हैज इलेबोरेटली like हमारे सारे डाउट जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के थे सारे क्लियर कर दिए, he has elaborated from 159 section जो otherwise we skip normally 159 168 what are they and go by the common parlance, तो उन्होंने section by section वो बताया कि legal year का होगा क्या, executor और authorized representative में फर्क क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में जो कि आज तक एक डायलेमा था कि दोनों बोथ आर द सेम थिंग, फर्दर आज तक तो वी हैव ए नोशन कि एओपी आफ्टर द डेट ऑफ डेथ इट विल बी एओपी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लीगल ईयर, बट ही हैज राइटफुली क्लेरिफाइड नाउ दैट इट्स अ कंसेप्ट विद द लीगल एग्जीक्यूटर ऑफ द विल विच विल डिटरमिन वेदर इट्स ए इंडिविजुअल कैपेसिटी और एओपी कैपेसिटी. Thank you, sir, for in difficult times you have spared so much time and deliberated this subject. गगन चरण जी ऐसी को तो मैं मना कर ही नहीं सकता ना, वो तो हर तीसरे चौथे दिन मेरे को बुला लेते हैं, मैं क्या सर अभी ये पोजीशन है सर, राइट टू हेल्प यू ऑन द डायस इसी पर इसी कहता हूं इसी चीज से हमें वो पता लगता है कि है क्या सर, आप देखो ना 500 लोग थे और किसी को सीट नहीं मिली, अभी मेरा ना ये बिल्कुल फोन भरा हुआ है व्हाट्सएप से कि भाई साहब हाउ टू ज्वाइन, लिंक नहीं काम कर रहा, पर लिंक क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि आप 500 सीट फुल हो गई थी, लिंक कैसे काम करेगा, 521 हो गए थे, 521 तो मैंने भी देखा था, 21 तो मैंने इसलिए कर लिया ना सर, वो उसको पैनल लिस्ट में ले लिया, वो काउंटिंग में नहीं आते, हां बस इसलिए 21 सीट बढ़ गई सर, चलो ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे.